Hi everyone, good afternoon. Welcome to An Academy. कैसे हैं सब बच्चे? Can you see me all? Hi बच्चों, hi, how are you? आवाज आ रही है सब बच्चों को? Yes. हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में कल कुछ टिश्यूज डिस्कस किए थे, सिंपल टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड देन मेरिस्टमैटिक टिश्यू. बेटा बेसिक टिश्यूज के बारे में हमने कल बात कर लिया था, आज हम इससे आगे बढ़ेंगे. आज कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा? आज अपने, ओहो इतने दिनों से बेटा मैं इसको ढूंढ रही थी. सोचो, आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड द क्लिप ऑफ दिस माइक, तो मुझे ना ये यूज करना पड़ रहा था, ये जो अपने पेपर्स के लिए यूज करते हैं ऑल पेन. यार जुगाड़ तो करना ही है, आपको पता है इंडियंस जुगाड़ी है. आज ये वाली जैकेट निकली उसमें चिपका हुआ था, सोचो कहाँ छुपा हुआ था ये. मुझे लगा मेरा गुम गया. सो नाउ इट्स फाइन, अब मुझे वो क्लिप्स और यूज नहीं करने पड़ेंगे. हाँ जी बेटा, तो रेडी हो? फटाफट से सेशन को लाइक करके बता दो कि यार रेडी हो. हाँ जी बेटा, फटाफट से सेशन. आप क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही, साउंड ही खराब हो गई. एक मिनट रुकिए, जस्ट अ सेकेंड. आवाज आ रही है नहीं आ रही, मैं खुद अपना सेशन सुनती हूँ. नहीं आ रही, फटी हुई आवाज आ रही है ना, इसका क्या करें यार. रुको, लेट मी फिक्स इट. हाँ मैं खुद अपना सेशन सुनती हूँ. आई एम ट्राइंग गाइस, मुझे लगता है अब ठीक है, आ रही है. मच्छर भिन भिन आ रहे हैं. हाँ यार मच्छर भिन भिन आ रहे हैं, अब इसका क्या किया जाए. काम चल सकता है कि नहीं चल सकता है यार, ये बताओ आज का काम चल जाएगा कि नहीं चलेगा. हो गया ठीक, इट्स फाइन नाउ. लाउड है तो बेटा कम कर लो, अपने एंड से कम कर लो, बाकी मैं यहां से भी कम कर देती हूँ. रुकिए, लेट मी जस्ट डिक्रीज फ्रॉम हियर. अब देखिए, नाउ इज इट फाइन? यस, चलो हाँ जी बेटा चलें आगे. अब आ रही है आज बेटा मेरी रानी मुखर्जी टाइप्स आवाज आपको आ रही है, तो काम चला लेते हैं, कोई बात नहीं. यार पिछली क्लास में हमने क्या किया था,
पिछली क्लास में हमने क्या किया था? हाँ जी, पिछली क्लास में हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था। इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने इस चैप्टर में इंटरनल स्ट्रक्चर समझना था, जिसमें हमने क्या किया, टाइप्स ऑफ टिश्यूज कर लिया था। मैं पिछली क्लास का आपको रिवाइज करा रही हूँ, क्या क्या किया था। मेरिस्टमैटिक टिश्यू कर लिया था एंड परमानेंट टिश्यू कर लिया था। फिर मेरिस्टमैटिक में हमने प्राइमरी और सेकेंडरी टिश्यू, देखिए आई होप आपने रिवाइज करा है, आई होप आपने रिवाइज करा है। बिना रिविजन के आओगे तो कोई मजा नहीं है, कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये बायो है यार, ये बायो है, मैथ्स नहीं है कि बिना रिविजन के बस एक फॉर्मूला लेके आगे सारे सवाल हो जाएंगे। इसमें एक एक चीज आपको रिवाइज करनी रहती है। फिर अपने ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किए थे एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इनके बारे में बात की थी। एंड देन बेटा हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो कि एक से ज्यादा टाइप के सेल से बने होते हैं, वो हमने उसमें जाइलम कर लिया था। क्या कर लिया था? जाइलम कर लिया था। तो आज की क्लास में बेटा सबसे पहले हमने टिश्यू को खत्म करना है। टिश्यू अपने खत्म हो जाएंगे विद फ्लोएम, तो फ्लोएम को खत्म करेंगे एंड देन हम सिस्टम्स पे स्टार्ट होंगे, टिश्यू सिस्टम पे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वास्कुलर बंडल का सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू है आज की क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एनाटॉमी एक्चुअली में काट के बताऊंगी, किसका, रूट का। आज हम रूट का एनाटॉमी डिस्कस कर लेंगे। तो टुडेज क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पूरा देखिएगा। आप लोग की जो एनर्जी रहती है ना, वो स्टार्टिंग में रहती है। तुमको लगता है जो एंड वाला पोर्शन है उसमें तो उसमें से तो सवाल ही नहीं आएंगे। सवाल आएंगे, ठीक है, सवाल डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। चलो जी, फटाफट से सेशन को शुरुआत होने से पहले क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। फटाफट से क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। मैं ना आपके कॉमेंट्स में ना आप बोलूंगी नहीं कुछ भी, क्योंकि ये जो निकिता यादव है इतने गजब कमेंट्स कर रही हैं। क्लास चल रही है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट दे रही हैं, ये जीवन का ज्ञान, आहा, ये तो बन गया अपना वो राइमिंग स्कीम बन गया, राइमिंग स्कीम बन गया कि क्लास चल रही है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट दे रहे हैं ये हमें जीवन का ज्ञान, कि इस बच्ची पे ट्रस्ट मत करना, इस पे ये मत करना, है ना, इस पे ये मत करना। तो यार फ्लोएम, फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम का काम हमने प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा था, नाइन्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं यार। फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड प्लस हॉर्मोन्स, इनको मूव करने का काम प्लांट में किसका होता है? फ्लोएम का होता है। ये फ्लोएम बेटा चार भागों से बना हुआ है, इसके बेटा चार तरीके के कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? फर्स्ट कंपोनेंट इज गोइंग टू बी सीव ट्यूब्स। क्या आ जाएगा बेटा अपने पास? सीव ट्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कंपेनियन सेल्स, साथी सेल्स, ठीक है। देन आपके पास आ जाएगा फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, एंड देन आखिर वाला आ जाएगा फ्लोएम फाइबर्स, दैट इज फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। अब यार ये थोड़ा सा ना जाइलम से उल्टा है, किस रिस्पेक्ट में? वहां हमने देखा था चार में से तीन कंपोनेंट्स तो क्या थे, डेड थे, एक ही लिविंग था, जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के बाकी सब डेड थे। यहां कंडीशन रिवर्स है, यहां भी टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं? चार है आपके पास, लेकिन इन चार में से बेटा ये जो तीन कंपोनेंट्स है ये लिविंग है, ये क्या है? लिविंग है। और यार ये जो आखिरी वाला कंपोनेंट है ये क्या है बेटा जी? आपका डेड कंपोनेंट है। तो यार इसका काम थोड़ा सा मैकेनिकल सपोर्ट देना होगा, बट उतना मैकेनिकल सपोर्ट नहीं देगा जितना कौन देगा? आपका जाइलम देगा, ठीक है जी। चलो बात करते हैं बेटा फ्लोएम के कंपोनेंट्स की, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज गोइंग टू बी सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स। अब यार ये सीव ट्यूब ना एक्चुअली में बहुत सारे सेल को जोड़ने से एक बड़ा सा सिलेंडर बना है। ये जो छोटे छोटे सेल जोड़ जोड़ के अपने ने ट्यूब बनाई है, इन सेल्स को हम बोलते हैं सीव एलिमेंट्स। ये देखो, ये मैं छोटे छोटे क्या बना रही हूं, दीज आर सीव। सीव का मतलब समझते हो? सीव का मतलब समझते हो? सीव मतलब छन्नी। छन्नी क्यों बोला है? क्योंकि यार इसके जो ऊपर आपको एंड्स दिखाई दे रहे हैं, एंड प्लेट्स दिखाई दे रहे हैं, इसकी एंड प्लेट्स के पास होती छन्नी टाइप मटेरियल, जिससे आपका सामान जो है वो क्रॉस कर जाता है। कहां गया? हां जी, तो यार ये सीव एलिमेंट्स जुड़कर क्या बनाते हैं? एक बड़ी सी ट्यूब बना लेंगे। सब जुड़ गए और क्या बना लिया? एक बड़ी सी ट्यूब बना ली। ये बेटा इसकी क्या है? एंड प्लेट। इस एंड प्लेट के पास आपको क्या मिलेंगे? बहुत सारी छन्नी टाइप ऐसे जाल बना हुआ दिखाई देगा। क्या बना हुआ दिखाई देगा? जाल। ये देखो मैं बना देती हूं, ये बनेगा आपका जाल। इस जाल को तुम लोग बोलते हो सीव प्लेट। सो इसकी एंड प्लेट को क्या बोलोगे? छन्नी वाली प्लेट बोलोगे।
अब मैंने बोला कि यार ये जिंदा सेल है, ये क्या है, जिंदा सेल। जिंदा सेल होने का मतलब है इसके पास सेल वॉल के अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके पास अंदर का पूरा साइटोप्लाज्म ऑर्गेनली सब कुछ है, यानी कि इसके पास क्या है, प्रोटोप्लास्ट है। इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है और इसके पास प्रोटोप्लास्ट भी प्रेजेंट है। ये प्रूव करता है कि यार ये सेल मरा हुआ सेल नहीं है, ये क्या है, जिंदा सेल है। लेकिन खास बात बेटा इसकी ये है कि ऑन मैच्योरिटी, मैच्योर होने के बाद बेटा ये अपना ना दिमाग खो देते हैं, दे लूज देयर न्यूक्लियस, दे लूज देयर न्यूक्लियस ऑन मैच्योरिटी। और अगर कोई सेल न्यूक्लियस को लूज कर देता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ई न्यूक्लिएटेड सेल। क्या कहलाता है बच्चों, ई न्यूक्लिएटेड सेल। ओके जी, अब यार जब मैंने इस मैच्योर, क्या बोलेंगे इसको, मैच्योर सीव ट्यूब, जब इसने अपना न्यूक्लियस खो दिया बच्चों, खोने के बाद ये क्या बन गया, बड़ा हो गया, मैच्योर बन गया। मैच्योर होने के बाद इसमें जो साइटोप्लाज्म है बिल्कुल कोने पे चली गई, पीछे में एक बड़ा सा वैक्यूल आ गया। भैया अगर तुम मैच्योर सीव ट्यूब बनाओगे, बना लो ये मैच्योर सीव ट्यूब, देखो न्यूक्लियस तो है नहीं, तो सेंटर की जगह किसको दे देते हैं, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल को दे देते हैं। सेंटर की जगह किसको दे देते हैं, वैक्यूल को दे देते हैं, सेंटर में वैक्यूल, जिसकी वजह से सारा साइटोप्लाज्म आपका पेरिफ्री पर चला गया, साइटोप्लाज्म आपका पेरिफ्रल हो गया, कोने पर चला गया। यस बेटा, कहां चला गया, कोने पर चला गया। यस, बात समझ आई, सब बच्चों को बात समझ आई, यस। हाँ तो क्या क्या दिक्कत हो गई बेटा, बहुत सारे बच्चे इस बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं एक बारी क्लास को रोक कर ये चीज आपको दिखा देती हूं। बहुत सारे बच्चे एक चीज के बारे में पूछ रहे हैं, सो आई एम जस्ट स्टॉपिंग इन बिटवीन एंड शोइंग यू समथिंग। व्हाट एम आई शोइंग यू, दिखा रही हूं, दिखा रही हूं, एक मिनट रुक जाइए, मैं बीच में बेटा रुक के दिखा रही हूं तुमको स्पेशल। ये नहीं है, ये है। हां जी, बहुत सारे बच्चों ने कल क्रैश कोर्स लिया था, मैं जानती हूं उसमें बहुत सारे बच्चे यहां पर क्लास भी देख रहे हैं, है ना, मेनी स्टूडेंट्स आर करंटली वॉचिंग द क्लास, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया था कल या जो सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आज। आप जानते हैं जो हमारा क्रैश कोर्स है उसका प्राइस बेहद रिड्यूस हो गया है सिर्फ दो दिनों के लिए, और प्राइस 99 भी नहीं है, 99 से भी कितना नहीं है, 79 हो चुका है अगर आप कोड लगाएंगे सीप लाइव। तो बच्चे पूछ रहे हैं कैसे ज्वाइन करेंगे, बेटा क्रैश कोर्स की क्लास शाम को 6:30 बजे होती है मेरी, आप प्लीज अपने एप्लीकेशन को खोलिए, उसमें प्लानर दिख रहा होगा, शाम को 6:30 बजे क्लास है। यहां स्पैमिंग करने से कुछ नहीं होगा, आपको एप्स चलानी आती है, एप्स को एक्सप्लोर करो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबकी क्लास आपको वहां दिख रही होगी, मेरी क्लास भी होगी शाम को 6:30 बजे, ठीक है। ग्रुप में कैसे होना है, मेंटोरशिप कैसे मिलेगी, कैसे बात करेंगे, ये सब चीजें मैं आपको शाम की क्लास में ही बताऊंगी, कितने बजे, 6:30 बजे बताऊंगी। ओके बेटा, इज इट क्लियर। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं अभी भी, तो मेरी शाम की क्लास से पहले ज्वाइन कर लो, कोड लगा देना सीप लाइव, बेहद मतलब मात्र 79 क्या होता है यार, जब तुम दो बंदे मोमोज खाने जाते हो तो मोमोज की जो दो फुल प्लेटें हैं वो भी इससे ज्यादा में आती हैं, है ना, इससे ज्यादा में आती है। सो लाइव क्लासेस के साथ, सारे मॉक टेस्ट के साथ, पिछले कंटेंट का सारा रिकॉर्डेड है, पीडीएफ नोट्स के साथ बेटा आपको ये कोर्स मिलने वाला है। 79 रुपीज है, सिर्फ कब तक है, कल तक है, कल ये ऑफर बंद हो जाएगा, फिर ये फिर से 2700 रुपए कुछ का हो जाएगा, ठीक है। तो कल तक आप ले लीजिए, इनफैक्ट आज ही ले लो यार, ताकि तुम मेरी क्लास ही मिस ना करो, शाम को 6:30 बजे। इज इट क्लियर, ठीक है। कितने दिन का कोर्स है बेटा, 30 अप्रैल तक चलेगा, कब तक चलेगा, 30 अप्रैल तक चलेगा, राइट। तो मतलब अभी तुम्हारे पास दो महीने कोर्स चलेगा, बीच में टेस्ट होंगे, बीच में बहुत सारे मॉक टेस्ट होंगे, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दिस। 30 अप्रैल तक चलेगा, आपको पूरा प्लानर दिखेगा वंस यू बिकम पार्ट ऑफ द सब्सक्रिप्शन। ओके, यस, ठीक है। अब पढ़ा लूं, तुम्हारी इजाजत हो तो अब पढ़ा लूं, अब पढ़ा लूं, अब तो कोई शक शंका नहीं है, अब तो कोई शक शंका नहीं है, बिल्कुल कोर्स चल भी रहा है, पुराने बच्चों से पूछ लो आगे भी चलेगा। यार तुम्हें तो ना मेरा डाउट होता रहता है, डाउट होता रहता है कि कभी नहीं कहां चले जाएंगे सब लोग, है ना। ओके, अब पढ़ ले। हाँ, अभी भी 8% को बहुत दिक्कत है,
8% को बहुत दिक्कत है कि मत पढ़ाइए बेटा, आप पढ़ के चले, आप पढ़ना छोड़ दीजिए, मैं तो पढ़ाती रहूंगी यार, तुमको जाना है तो तुम जा सकते हो, तुमको जाना है तो तुम जा सकते हो, ठीक है, ये जो 8% जनता है। एंड सेकंड थिंग बेटा, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी का प्रैक्टिस सेशन हमारा बचा था, वो प्रैक्टिस सेशन मैंने यहां पिन कर दिया है, मेक श्योर दैट यू एनरोल इन दैट, एनरोल कर लेना उसमें। ओके, तो सीव ट्यूब्स यार अपने ने कर ली, कि सीव ट्यूब्स किससे जुड़ के बनती है, छोटे छोटे सेल से जुड़ के बनती है। तो यार ये मल्टी सेलुलर हुई या यूनिसेलुलर हुई, तुम अपना दिमाग यार इसमें खुद लगाओ, सीव ट्यूब अगर छोटे छोटे सेल से जुड़कर बन रहे हैं यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। दूसरा बेटा, सीव ट्यूब हर प्लांट में नहीं पाया जाता, ये प्लांट का एक एडवांस्ड फीचर है, एडवांस्ड फीचर यानी कि ये एडवांस्ड प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म्स में ही ये पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही पाया जाएगा। अब पूछते हैं कि भैया ये जो सीव ट्यूब है ये तो सिर्फ एंजियोस्पर्म में है, लेकिन क्या ये सीव सेल भी एंजियोस्पर्म में है? तो तुम बोलोगे कि यार ये जो सीव ट्यूब है जुड़कर जो आपकी ट्यूब बनी ये तो एंजियोस्पर्म में है, लेकिन जो अपने सीव सेल हैं, एक एक सेल ये जिम्नो में भी पाए जाते हैं। किसमें? जिम्नो में भी पाए जाते हैं और टेरिडो में भी पाए जाते हैं। देखो याद रखना है, सीव सेल के पास न्यूक्लियस होता है, इसके पास न्यूक्लियस है, लेकिन जब ये सीव ट्यूब बनता है तब मैच्योरिटी पे अपना न्यूक्लियस लूज करता है, तब इसको कंपेनियन सेल की जरूरत पड़ती है। लेकिन बेटा अगर सीव सेल के पास अपना न्यूक्लियस है तो क्या इसको कभी कंपेनियन सेल की, साथी सेल की जरूरत पड़ेगी? तुम बोलोगे भैया सीव सेल के पास तो अपना न्यूक्लियस होता है ना, इट हैज न्यूक्लियस, तो क्या इसको कंपेनियन सेल चाहिए? तुम बोलोगे नो कंपेनियन सेल रिक्वायर्ड, इसको कंपेनियन सेल नहीं चाहिए, रादर इसके पास कंपेनियन सेल की जगह क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ एल्ब्यूमिनस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कुछ एल्ब्यूमिनस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई बेटा? सीव सेल के पास न्यूक्लियस है, सीव सेल जुड़ जुड़ के एंजियोस्पर्म्स में क्या बनाते हैं, सीव ट्यूब बनाते हैं, वो मैच्योरिटी में अपना न्यूक्लियस को लूज कर देते हैं, जिस वजह से उनको किसकी जरूरत पड़ती है, सेकंड टाइप ऑफ सेल की, दैट इज कंपेनियन सेल, ठीक है, दैट इज कंपेनियन सेल। ओके चलो, तो ये बात होगी सारी सीव ट्यूब की। नेक्स्ट अपने लोग चलते हैं कंपेनियन सेल पे, ये दिस इज ऑल्सो लिविंग कॉम्पोनेंट, कंपेनियन सेल पे देखिए, कंपेनियन सेल का नाम ही है साथी सेल, ये बना है किसकी मदद के लिए, सीव ट्यूब की मदद के लिए। सीव ट्यूब को मदद क्यों चाहिए थी? क्योंकि उसने अपना न्यूक्लियस खो दिया था। तो यार क्या इसको मैं जिम्नो में रखूं, कोई मतलब बनता है इसको जिम्नो में रखने का, येस और नो बताओ, क्या इसको मैं जिम्नो में रखूं? खुद सोचना है बेटा, आज की क्लास में आप खुद सोचेंगे और मुझे सोच के बताएंगे, क्या मैं इसको जिम्नो में रखूं, कोई मतलब बनता है इसका? यस, हाँ जी, यस, कमन कमन कमन, टेल मी, क्या रखें इसको जिम्नो में? भैया जरूरत हमें इसकी तब है जब सीव ट्यूब हो, जिम्नो के पास तो सीव ट्यूब होती ही नहीं है, उसके पास तो सीव सेल है, तो यार इसको भी जिम्नो में रखने का कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाएगा, एंजियोस्पर्म्स में ही पाया जाएगा, ठीक है, ये भी एक लिविंग सेल है। कैसा है? पेरेन्काइमा से बना हुआ है, पेरेन्काइमेटस सेल है इस, ये अगर सीव ट्यूब की मदद करना चाहता है तो इसके पास न्यूक्लियस डेफिनेटली होगा, ठीक है। मान लीजिए बेटा ये अपना सीव ट्यूब है, ये अपना सीव ट्यूब है जिसके सेंटर में एक वैक्यूल है और कोने में पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है। भैया इसके पास अपना न्यूक्लियस नहीं है, इसीलिए इसने अपनी मदद के लिए यहां पर क्या बिठा लिए, कंपेनियन सेल्स बिठा लिए, क्या बिठा लिए, कंपेनियन सेल। अब यार ये जो कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब है ये आपस में बातचीत कैसे करते हैं, हाउ डू दे इंटरैक्ट, इनके बीच में बेटा क्या प्रेजेंट होती है, पिट फील्ड्स, क्या प्रेजेंट होती है, पिट फील्ड्स। इसकी मदद से कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब्स आपस में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। काम क्या है इसका, काम क्या है बेटा, फंक्शन की अगर बात करें, इट मेंटेन्स प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब्स, इट मेंटेन्स प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब्स। कई बार फंक्शन आ जाता है,
फंक्शन आ जाता है कि भैया ये क्या काम करता है, तुम बोलोगे प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करता है। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करता है। ओके, तो ये बात होगी आपके सेकंड कंपोनेंट की, दैट इज कंपेनियन सेल। थर्ड और फोर्थ कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। थर्ड वन इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कहीं भी आ जाए यार, काम क्या होगा, स्टोरेज होगा। ये भी एक लिविंग सेल है, इलॉन्गेटेड बड़े बड़े सेल्स होते हैं। ठीक है, बताया था ना पैरेन्काइमा। देन बेटा इसका फंक्शन होगा स्टोरेज। इसकी जो सेल वॉल है वो है सेल्यूलोसिक, सेल्यूलोसिक। ठीक है, और इसमें बहुत सारे प्लाज्मोडेसमेटल कनेक्शन होंगे, प्लाज्मोडेसमेटा होंगे। ठीक है, अब याद रखने वाली बात यह है, ये तो बेसिक है यार, ये बेसिक है, सबको पता है। याद करने वाली बात इसमें ये है कि जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है इट इज एक्चुअली एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम, एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट की स्टेम में बेटा ये नहीं होता है, एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम। एनसीईआरटी में लिखा है मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट है, एक्चुअली पूरे मोनोकॉट में एब्सेंट होता है। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा इज नॉट प्रेजेंट इन मोनोकॉट स्टेम। याद हो गया, मेरे साथ साथ याद करिए। यस, चलिए, तो ये हो गया फ्लोएम पैरेन्काइमा। लास्ट कॉम्पोनेंट करते हैं फ्लोएम फाइबर्स। इसको और क्या बोला जाता है, बास्ट फाइबर्स। क्या बोला जाता है, बास्ट फाइबर्स। अब यार फाइबर्स कौन सा सेल आया, स्क्लेरेन्काइमा, यानी कि ये मरा हुआ सेल है, डेड सेल है। किससे बना हुआ है, स्क्लेरेन्काइमा से बना हुआ है। अगर ये डेड सेल है तो बच्चों क्या काम करेगा, डेड का एक ही काम होता है सपोर्ट देना, सो इट विल हेल्प इन मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट। अब यार इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर। ये क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर। सेकेंडरी का क्या मतलब है, सेकेंडरी का मतलब है ये बाद में बनेंगे, ये पहले नहीं बनेंगे। ये कब बनेंगे, बाद में बनेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी टाइम। प्राइमरी चीज पहले होती है, सेकेंडरी क्या होती है, बाद में होती है। तो यार इसका जो नेचर है वो कैसा है, सेकेंडरी इन नेचर है। ठीक है, अगर ये चीज सेकेंडरी इन नेचर है तो क्या मोनोकॉट में हो सकती है, बताओ। हमने बात की थी जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो सिर्फ किसका फीचर है, डाइकॉट का फीचर है। यानी कि ये जो सेकेंडरी चीज है ये मोनोकॉट में तो हो ही नहीं सकती। मतलब ये भी क्या है, दे आर ऑल्सो एबसेंट इन मोनोकॉट। लिख दे, दे आर ऑल्सो एबसेंट इन मोनोकॉट, क्योंकि भैया इसका नेचर क्या है, सेकेंडरी, और मोनोकॉट में कुछ भी सेकेंडरी नहीं होता है। ओके, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एबसेंट इन मोनोकॉट स्टेम। बेसिकली अगर देखे तो दोनों ही दोनों मोनोकॉट में एबसेंट है, देखे तो दोनों के दोनों एबसेंट इन मोनोकॉट है ना, एब्सेंट इन मोनोकॉट है। यस, क्योंकि फाइबर्स का कोई यूज नहीं है, क्योंकि इन्होंने सेकेंडरी बनना है, तो यार मोनोकॉट में हो नहीं सकते। ऊपर हमने पैरेन्काइमा के बारे में भी बात कर ली कि यार ये भी क्या है, एब्सेंट है आपके मोनोकॉट स्टेम में। बेसिकली पूरे मोनोकॉट्स में ही ये क्या है, एब्सेंट है। ओके, तो चार कॉम्पोनेंट्स, तीन लिविंग एक डेड, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा लिविंग, और फाइबर्स क्या है अपने, डेड। अब यार ये जो फ्लोएम के फाइबर्स है ना, ये यूज होते हैं कमर्शियली बहुत सारी चीजें बनाने के लिए, जैसे आपको पायदान बनाना है, कारपेट बनाना है, बैग्स बनाने हैं जूट के, तो यार उसमें बहुत यूज होता है। तो कमर्शियल यूज देख लेते हैं इनका, यहीं पे लिख दूं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनका फ्लोएम फाइबर कमर्शियली यूज होता है मैट्स वगैरह बनाने में, तो टॉकिंग अबाउट देयर कमर्शियल यूज। ठीक है, कमर्शियल यूज, जैसे पायदान बनाना है, कारपेट्स, कालीन बनाने हैं, तो उसके लिए बेटा यूज होता है। द एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट्स जिनके फ्लोएम पैरेन्काइमा यूज फाइबर्स यूज करते हैं, जूट, हेम्प एंड फ्लैक्स। जूट, हेम्प एंड फ्लैक्स, याद करो अभी के अभी प्लांट्स के नाम याद करिए, जिसका फ्लोएम फाइबर कमर्शियली यूज होता है कालीन और मैट्स बनाने के लिए। दैट इज गोइंग टू बी, बेटा कालीन भैया नहीं है, है? बच्चों के माइंड में जैसे कालीन बोलो तो कालीन से इनके माइंड में क्या आता है, सिर्फ मिर्जापुर आता है ना, कि कालीन भैया की बात हो रही है। नहीं बेटा, उनकी बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, कारपेट की बात हो रही है। सो जूट, हेम्प एंड फ्लैक्स। ओके, यस, क्लियर बच्चों। चलिए, जैसे हमने किया था जाइलम के बारे में कि यार जाइलम प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकता है, वैसे यार अपना जो फ्लोएम है, फ्लोएम है, यहीं पे लिख रही हूं, फ्लोएम भी क्या हो सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, फ्लोएम भी क्या हो सकता है, प्राइमरी फ्लोएम हो सकता है और सेकेंडरी फ्लोएम हो सकता है।
जो प्राइमरी फ्लोएम है वो किसमें होगा? डाइकॉट एंड मोनोकॉट। हमको पता है प्राइमरी चीज डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों में होती है, और जो सेकेंडरी चीज होती है वो सिर्फ किसमें होती है? डाइकॉट में होती है। फिर हमने जैसे जाइलम में किया था प्राइमरी जाइलम को, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, वैसे बेटा इसको आगे डिवाइड कर दीजिए, प्राइमरी को आगे डिवाइड कर दीजिए, प्रोटोफ्लोएम जो पहले बनेगा जो कि लेस डेवलप्ड होगा, और मेटाफ्लोएम। ठीक है, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम, बिल्कुल उसके तरीके से जैसे हमने जाइलम को किया था। लेकिन फिर आगे हमने प्रोटो को, प्रोटोजाइलम को एक्सार्क और एंडार्क में डिवाइड किया था, यहां वो नहीं करेंगे, यहां वो नहीं करेंगे। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद फ्लोएम। फ्लोएम के साथ हमारा पूरा टिश्यूज डन हो गए, मेरिस्टमैटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इतना डन है। तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, है? बिफोर वी स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट पार्ट, फास्टली लाइक द सेशन। हां जी, फटाफट से कर दीजिए, यस कम ऑन, फटाफट से लाइक कर दो। ओके, ले लिया है तो बहुत बढ़िया। जिस जिसने क्रैश कोर्स ले लिया है वो मुझे मेरी शाम को 6:30 बजे क्लास है उसमें जरूर मिले, क्रैश कोर्स में ही है। अभी यार एनाटॉमी कर रहे हो, कर रहे हैं तो उसको कर लो, जो चीज कर रहे हैं उस पर फोकस दीजिए, स्टे इन प्रेजेंट गाइस, स्टे इन प्रेजेंट। ठीक है, स्टे इन प्रेजेंट। तो शुरू करते हैं बेटा टिश्यू सिस्टम। तीन तरीके के टिश्यू सिस्टम इस चैप्टर में हमको पढ़ने हैं। पहला करना है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ओके, देन अपने ने करना है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, उसके बाद अपने ने करना है जाइलम फ्लोएम वाला, यानी कि वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वास्कुलर। ठीक है, एपिडर्मिस क्या होती है? एपिडर्मल टिश्यू मतलब सबकी एपिडर्मिस, रूट की, पत्ती की, लीफ की, ये सारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। वास्कुलर बंडल क्या होता है? वास्कुलर बंडल होता है जाइलम और फ्लोएम वाला, ये हो गया आपका एपिडर्मिस वाला। तो यार इसके अलावा जो भी बचा वो ग्राउंड टिश्यू है, जो भी बचा ना बेटा वो क्या है? ग्राउंड टिश्यू, कॉर्टेक्स है, पिथ है, जो भी बचा एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल के बीच में, दैट विल कम अंडर ग्राउंड। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, यस बेटा, मॉर्फोलॉजी की प्रैक्टिस सेशन में आपने एनरोल किया कि नहीं किया? फटाफट से लिंक पे क्लिक कर लेना, शाम को 5 बजे क्लास है, क्वेश्चंस करेंगे मॉर्फो के, फिर जब हमारा परसों एनाटॉमी हो जाएगा फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, आ जाओ फटाफट से। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम किससे बना हुआ है? देखिए इसको बनाने वाला कौन कौन है, एक तो है एपिडर्मिस बाहर की लेयर, फिर उस एपिडर्मिस में छेद होंगे, उन छेद को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ठीक है, एंड देन बेटा कुछ एक्सटेंशंस निकलेंगे जिनको अपने लोग बोलेंगे एपिडर्मल एपिडर्मल अपेंडेजेस, एपिडर्मल अपेंडेजेस। ठीक है बेटा, यस, माइक थोड़ा नीचे कर लो, आवाज नहीं आ रही है, बताओ यार आवाज आ रही है? मैं सुनती हूं, आ तो रही है यार, आ रही है, थोड़ा सा फटके आ रही है, आज थोड़ा रानी मुखर्जी वाला स्पीकर हो गया मेरा, बट आ रही है। हाँ जी, यस, चलिए। हाँ बच्चे बड़े वो है, स्मार्ट हो गए आजकल, कह रहे हैं ओबीएस देख लो। बेटा आपको बड़ा पता है ओबीएस क्या होता है? वीडियो, तुम गेमिंग करते हो क्या? है गेमिंग करते हो? तो सबसे पहले बेटा शुरू करते हैं अपने एपिडर्मिस से। किससे शुरू करते हैं? एपिडर्मिस से शुरू करते हैं। एपिडर्मिस क्या होता है? आउटर साइड है, हर चीज का आउटर पार्ट इज द एपिडर्मिस, यानी कि इट इज गोइंग टू बी द आउटर मोस्ट लेयर। पहले बेटा मैं इसके बारे में लिखूंगी, आउटर मोस्ट लेयर है। अगर यार कोई भी चीज आउटर मोस्ट है तो क्या काम करेगी? उसका काम होगा प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव लेयर है। लेकिन यार ये प्रोटेक्ट तभी कर पाएगी अगर इसमें कहीं भी छेद ना हो। छेद हो तो यार बाहर से सामान अंदर आ जाएगा, फिर क्या का प्रोटेक्शन? यानी कि इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। ठीक है, एब्सेंट होंगे। जनरली जनरली देखा जाए तो यार ये एपिडर्मिस क्या होती है? सिंगल लेयर्ड होती है। जब बेटा मैं आपको सेक्शंस बनवाऊंगी, टीएस बनवाऊंगी, डाइकॉट रूट का, मोनोकॉट रूट का, तभी सारे पॉइंट्स याद रखने हैं कि एपिडर्मिस कैसी होती है। जनरली सिंगल लेयर्ड होती है। इस एपिडर्मिस के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है ना इस एपिडर्मिस के पास एब्सेंट है, एक्सेप्ट एक सेल से, एक्सेप्ट एक्सेप्ट गार्ड सेल्स।
गार्ड सेल एक वो एपिडर्मल सेल्स हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है. दे आर द ओनली एपिडर्मल सेल विच हैव क्लोरोप्लास्ट. बाकी किसी भी एपिडर्मल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है. इसके सेल्स कैसे होंगे? लंबे लंबे इलॉन्गेटेड सेल्स होंगे जिनके पास बड़ा सा वैक्यूल होगा. जैसे मान लीजिए बेटा ये इतना बड़ा सेल है, इस सेल के अंदर जो मेजर स्पेस है वो कौन लेके बैठा है? वैक्यूल लेके बैठा है, जिसकी वजह से इसके बाहर जो साइटोप्लाज्म है वो बाहर को पुश हो गई है. यानी कि जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा है? पेरिफेरल साइटोप्लाज्म हो गया है. ठीक है जी. यस. अब यार इस एपिडर्मिस के बाहर एक वैक्सी कोटिंग होती है. क्या होती है इस एपिडर्मिस के बाहर? एक वैक्सी कोटिंग होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं. ओके जी. यस बेटा, याद हो गया फटाफट से. एपिडर्मिस क्या है? जनरली सिंगल लेयर्ड है, प्रोटेक्टिव है, सबसे बाहर वाली है. इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है एक्सेप्ट गार्ड सेल. इलॉन्गेटेड सेल्स होंगे और बेटा इनमें बड़ा सा एक वैक्यूल भी होगा. ठीक है, जिसकी वजह से द साइटोप्लाज्म इज पुश्ड टू पेरिफ्री. ठीक है. अब यार इस एपिडर्मस से निकलते हैं कुछ अपेंडेजेस. जैसे हमारी बॉडी से अपेंडेजेस नहीं निकलते. ये मेरी जो बाजू है ये अपर अपेंडेज है, मेरी जो लेग्स हैं ये लोअर अपेंडेज है. वैसे ही बेटा स्टेम और रूट की एपिडर्मिस से निकलते हैं कुछ अपेंडेजेस. कौन कौन से अपेंडेजेस निकलते हैं? एक हम बात करेंगे रूट हेयर की. दूसरा अपन लोग बात करेंगे स्टेम हेयर की. ठीक है, देखिए बेटा ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलते हैं. मेरा टेलीग्राम मेरे नाम से ही है. किस नाम पे जाएंगे? सी पाहुजा बायोलॉजी. क्या आप सबने ज्वाइन कर रखा है? बताओ जरा मुझे, फटाफट से बताइए मुझे. आर यू पार्ट ऑफ दिस ग्रुप और नॉट? ठीक है, क्या आप इस ग्रुप का पार्ट है? अगर नहीं है तो यार बहुत सारी और चीजें उस पर आने वाली हैं जो मैं शेयर करने वाली हूं. फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड भी आने वाली हैं, फुल सिलेबस हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड भी आने वाली हैं. अगर आप यार उसके पार्ट नहीं है तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा. तो जितने ही बच्चे हैं उस ग्रुप का हिस्सा जरूर बने. 1,39,38,000 करीबन उसमें बच्चे हैं. प्लीज इस ग्रुप को करेक्टली ज्वाइन करके रखिएगा. ठीक है, सर्च करो आ जाएगा. 1,38,000 समथिंग बच्चे हैं, उसी ग्रुप को ज्वाइन करिए. इस नाम से और भी बच्चों ने बना रखा है लेकिन वो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, तो आपको ध्यान रखना है. 1,38,000 समथिंग. ओके, क्यूटिकल के बारे में भी आगे डिटेल आएगा, रुक जाओ. पहले अपेंडेजेस कर लीजिए. ओके, सो बात करते हैं बेटा अपेंडेजेस की, रूट हेयर एंड स्टेम हेयर. मैं यहीं पे बता रही हूं. रूट हेयर की बात करें, शायद हमने पिछली क्लास में बात किया था कि मान लीजिए रूट का सेक्शन है, रूट के बाहर ये एपिडर्मल लेयर है. यार ये एपिडर्मल सेल्स का ही एक्सटेंशन क्या है? आपका रूट हेयर है. यानी कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ, ये सारे नोट्स वहीं पे मिलेंगे. इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल. ठीक है, एपिडर्मल सेल का क्या है? एक्सटेंशन है. यानी कि बाहर से निकल रहा है, कहीं अंदर से थोड़ा आ रहा है. एपिडर्मिस तो बाहर होती है ना, ये एपिडर्मिस है, इसका क्या है? एक्सटेंशन है. यानी कि बाहर से निकलने वाली चीज है. बाहर से निकलने वाली चीज का क्या मतलब है? इसका ओरिजिन क्या है? एक्सोजीनस इन ओरिजिन. क्या ओरिजिन है बेटा? एक्सोजीनस. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मॉर्फोलॉजी में भी मैंने तुम्हें ये चीज बताई थी. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. क्या काम होगा? इंक्रीज द सर्फेस एरिया. इट इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट रूट हेयर इज दैट इट इज मेड अप ऑफ ओनली एंड ओनली सिंगल सेल. ऑलवेज एंड ऑलवेज यूनिसेल्युलर होगा. याद करो, रूट हेयर एक्सोजीनस होता है, एपिडर्मिस से निकलता है और एक ही सेल का बना होता है. ठीक है, सिंगल सेल. देन आता है आपका स्टेम हेयर. स्टेम हेयर का दूसरा नाम होता है ट्राइकोम. क्या नाम होता है बेटा स्टेम हेयर का? ट्राइकोम्स. ठीक है, अब ये जो ट्राइकोम्स हैं, ये स्टेम एपिडर्मिस का एक्सटेंशन है. सिंपल, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ स्टेम एपिडर्मिस. भैया अगर स्टेम एपिडर्मिस का एक्सटेंशन है तो ये भी क्या हुए? ये भी हुए एक्सोजीनस. क्या हुए बेटा? एक्सोजीनस हुए. मोस्टली, अब ध्यान देना, मोस्टली बेटा मल्टी सेलुलर होते हैं. बट मे बी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं. मोस्टली बेटा मल्टी सेलुलर है.
ठीक है, काम क्या है इसका, स्टेम हेयर का काम। बेटा आपने ना देखा होगा स्टेम के ऊपर ना छोटे छोटे जो हर्बेशियस स्टेम होती है बाल बाल से दिखाई देते हैं। इसका काम है कि जो हर्बेशियस स्टेम ग्रीन वाली स्टेम से जो वाटर लॉस होता है ट्रांसपिरेशन से उसको रोकता है। इट कंट्रोल्स द वाटर लॉस, इट प्रिवेंट्स द वाटर लॉस। सो फंक्शन इज इट्स प्रिवेंट्स वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन, बाय ट्रांसपिरेशन। भैया कई जगह आप देखेंगे कि ये स्टेम हेयर सॉफ्ट हैं, कई जगह थोड़े ना मोटे भी होते हैं। सो दे कुड बी सॉफ्ट और दे कुड बी स्टिफ, दे कुड बी सेप्टेट और दे कुड बी एसेप्टेट, सेप्टेट भी हो सकते हैं और एसेप्टेट बिना डिवीजन के भी हो सकते हैं। ओके, सिक्रेटरी नेचर भी होता है कई बार स्टेम का, स्टेम हेयर का सिक्रेटरी नेचर भी होता है ना, कुछ ना व्हाइट व्हाइट सा सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिससे काउ बफेलो ग्रेजिंग एनिमल नजदीक नहीं आते हैं। ओके, तो यहां पर अपनी एपिडर्मल अपेंडेजेस मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। क्या क्या याद करना है, रूट हेयर यूनिसेलर, स्टेम हेयर मोस्टली मल्टीसेलर, कुड बी यूनिसेलर। रूट हेयर जो है वो भी एक्सोजिनस है, स्टेम हेयर जो है वो भी एक्सोजिनस है। रूट हेयर का काम है सरफेस एरिया बढ़ाना ताकि वाटर और अब्सॉर्ब हो, स्टेम हेयर का काम है कि भैया ट्रांसपिरेशन को रोकना, लिमिट करना, वाटर लॉस को प्रिवेंट करना या फिर अपने स्टेम को ग्रेजिंग एनिमल से बचाना बाय सिक्रेटिंग समथिंग। ओके, यस, एपिडर्मल अपेंडेजेस क्लियर। चलिए अब कौन सा हिस्सा बचा है, अब हमारे पास बचा है स्टोमेटा। क्या बचा है बेटा, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा मैं अगले पेज पर कराती हूं, बेसिक है यार। स्टोमेटा तीन चीजों से बनता है, बीच में कोर होता है, फिर गार्ड सेल होते हैं और फिर आपके सब्सिडरी सेल्स होते हैं, है ना, है ना बच्चों, ठीक है। चलिए क्या कह रहे हैं, मैम आप चिल्लाते क्यों नहीं हो, चिल्लाना क्यों है बेटा। ये कौन सी भाषा लिखी जा रही है, रुको, स्टोमेटा, स्टोमेटल अपर्चर कर लेते हैं, स्टोमेटल अपर्चर। हाँ जी, तीन चीजों से बनता है, बीच में कोर, गार्ड सेल एंड द एक्स्ट्रा एपिडर्मल सेल्स। तो यार मैं सीधा बना देती हूँ, डायकॉट का स्टोमेटा बना रही हूं, डायकॉट स्टोमेटल अपर्चर। बीच में बेटा क्या होता है, एक कोर होता है, ठीक है, जहां से एक्सचेंज होगा। देन बेटा अगर डायकॉट है तो कौन सी शेप के गार्ड सेल है, ये हमने ना प्लांट फिजियो में करा था, कौन सी शेप के गार्ड सेल है बेटा, तो अपने किडनी शेप के गार्ड सेल है। एंड देन बेटा इन गार्ड सेल के बाहर क्या होते हैं, एपिडर्मल सेल होते हैं, कुछ केसेस में समटाइम्स ये स्पेशलाइज कर जाएंगे और इनको बोलेंगे सब्सिडरी, सब में नहीं बोलते बेटा, वैसे इनका कॉमन नेम इज एपिडर्मल सेल, लेकिन सम केसेस में स्पेशलाइज करके क्या बना लेंगे, सब्सिडरी सेल। तो वन बाय वन लेबल कर लेते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द कोर, फर्स्ट पार्ट ऑफ द अपर्चर, सेकेंड पार्ट ऑफ द अपर्चर इज कॉल्ड एज गार्ड सेल, यस गार्ड सेल है, ठीक है जी, गार्ड सेल। मैंने बताया गार्ड सेल भी एक तरीके के एपिडर्मल सेल्स ही हैं, लेकिन ये ओनली एपिडर्मल सेल्स हैं विच हैव क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ओनली एपिडर्मल सेल हैविंग क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में, हमने पढ़ा था कि यार इसके अंदर सेलुलोसिक माइक्रोफाइब्रिल होते हैं जो कि इस तरीके से रेडियली अरेंज्ड हैं, लॉन्गिट्यूडनली मत लिख देना, यस, कैसा अरेंजमेंट है इसमें, रेडियली अरेंज्ड सेलुलोसिक माइक्रोफाइब्रल्स जो इसकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में मदद करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में मदद करते हैं। तो रेडियल अरेंजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको कई बार ना लॉन्गिट्यूडनल लिख देते हैं, स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है, रेडियली अरेंज्ड माइक्रोफाइब्रल, ठीक है, यस, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में मदद करेंगे। फिर भैया ये जो गार्ड सेल की अंदर वाली वॉल है, ये देखिए अंदर वाली वॉल मोटी होती है, इधर वाले की बना दो, देखो बेटा ये मोटी है, दिख रही है, हाँ ठीक होती है, और बाहर वाली वॉल होती है कंपैरेटिवली थिन, है ना, यस, सो द इनर वॉल, दिस इज द इनर वॉल, इनर वॉल कैसी है, थिक है, मोटी है और क्या है, इलास्टिक है, ये सारे पॉइंट्स बेटा इन पे सवाल आते हैं। और ये जो आउटर वॉल है ये थिन है, आउटर वॉल कैसी रहेगी, थिन है, ठीक है, दो चीजें हो गई, कोर हो गया और गार्ड सेल हो गए। नेक्स्ट अपने चलते हैं बाहर वाले सेल, ये भी एक तरीके के एपिडर्मल सेल्स हैं जो कई बारी स्पेशलाइज होके क्या बनाते हैं, सबसीडियरी सेल्स बनाते हैं, है ना बेटा, यस,
सब्सिडियरी सेल्स बनाते हैं? ठीक है बच्चों, क्या बहुत बढ़िया बेटा। आप ना वही मैं कह रही हूं बेटा, भीड़ बढ़ती जा रही है पेपर में। इस साल 18 लाख नहीं 20 लाख बच्चे पेपर देंगे, और जैसी भीड़ मैं इस क्लास में देख रही हूं, उस भीड़ से मुझे लगता है 20 से भी ऊपर बच्चे इस बार पेपर भर सकते हैं, क्योंकि रैंडम बातें कर रहे हैं, इनका सिलेक्शन थोड़ा होना है। रैंडम बातें कर रहे हैं, और वो रैंडम बातें क्या है? रैंडम बातें बेटा क्या है? क्या आप चाइना नहीं आ रहे हो? क्या आप वहां नहीं आ रहे हो? बेटा आपको ना खुश होना चाहिए। जो सीरियस बच्चा इस क्लास को देखता है, उस बच्चे को ना बहुत खुश होना चाहिए कि यार दिन पर दिन तुम्हारा कॉम्पिटिशन डिक्रीज हो रहा है। कभी तुम्हारा मन करे ना, कभी तुम्हारा मन करे कि यार डिमोटिवेशन है, लाइव चैट देख लो, लाइव चैट ऑन कर लो, तुम ऐसे ऐसे बच्चों के कॉमेंट्स देखोगे लाइव चैट में, ऐसे ऐसे बच्चों के यार तुम्हें लगेगा यार ये बच्चे को तुम्हें ऐसे हरा दूंगा, इस बच्चे को तो सिलेक्शन नहीं होगा। तब तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यार मेरे में बात है, आई एम बेटर देन लैक्स लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, एंड दिस इज रियलिटी बेटा। अगर आप आज ये सीरियसली क्लास लगा रहे हैं, आप असली में बहुत बच्चों से आगे हैं, बहुत बच्चों से आगे हैं। ठीक है, भीड़ है बस इस पेपर में, क्या है? भीड़ है पेपर में, बट हर बच्चा उस सीट को डिजर्व नहीं करता है, क्योंकि यार ना उसने मेहनत करी, ना वो अब सीरियस हो रहा है। अब यार जबकि 2 महीने बचे हैं, उसके कोई सीरियसनेस नहीं है बेटा, तो बहुत खुश हो जाया करो। डीमोटिवेशन आए चैट बॉक्स देख लो आके, और खुश हो कि यार ये बच्चा तो नहीं कर पाएगा, मेरा चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, मेरे चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। ओके, ये बेस्ट है, ये अपना बेस्ट फंडा है। कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं देखना, लाइव चैट देख लेना आके। लाइव चैट देख लोगे तो पता चल जाएगा यार इस बच्चे का तो कुछ नहीं हो सकता, मेरा ही होगा, है ना, मेरा ही होगा। अब यार इस गार्ड सेल के बारे में बात करें, अब इस गार्ड सेल के बारे में बेटा अगर बात करें तो 2 शेप्स हमने देखी थी, है ना। अगर बात करें डायकॉट्स की, जो मैंने यहां पर बनाया है, मैंने डायकॉट का ही बनाया था। इन केस ऑफ डायकॉट, डायकॉट में बेटा कैसी शेप होती है गार्ड सेल की? यही किडनी शेप्ड, राजमा शेप्ड, ठीक है, बीन शेप्ड। और अगर बात करें मोनोकॉट की, मोनोकॉट की, मोनोकॉट में कैसी होती है? डंबल शेप्ड, डंबल बेटा, जो जिम में डंबल वंबल उठाते हैं ना, वो शेप किसकी होती है? गार्ड सेल की, इन केस ऑफ मोनोकॉट्स। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके स्टोमैटल अपर्चर की। अभी तक बेटा हम क्या कर रहे हैं, दोबारा सुनो, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कर रहे हैं, जिसमें एपिडर्मिस पूरा कर लिया, स्टोमेटा पूरा कर लिया, और अपेंडिजेस पूरे कर लिए। अब मैंने तुम्हें बताया एपिडर्मिस के बाहर ना एक वैक्सी कोटिंग होती है, इस कोटिंग को क्या बोला जाता है? क्यूटिकल बोला जाता है। थोड़ा सा मैं क्यूटिकल के बारे में बता दूं, थोड़ा सा बेटा जी क्यूटिकल के बारे में बताएं। क्यूटिकल, यस, क्यूटिकल के बारे में बताऊं तो यार ये क्या है, ये वैक्स से बनी हुई कोटिंग है, किसके ऊपर होती है? एपिडर्मिस पे। वैक्सी कोटिंग किस पे? ओवर एपिडर्मिस। अगर यार वैक्स है तो तुमको पता है यार वैक्सी चीज ना पानी को नहीं जाने देती है, सो इट इज इम्परमिएबल टू वॉटर, इम्परमिएबल टू वॉटर, यानी कि क्या बचाएगी? प्रिवेंट वॉटर लॉस, इट विल प्रिवेंट वॉटर लॉस। ठीक है, अब यार वॉटर लॉस कहां से होता है? स्टेम से होता है, पत्ती से होता है, रूट से कोई वाटर लॉस होता है? बताओ, क्या रूट ऐसे हवा में बैठी है कि पानी इसको यू नो इवेपोरेट होता रहता है यहां से? रूट से तो कोई वाटर लॉस होता ही नहीं है, तो यार इसको रूट में क्यों रखना है, फालतू थोड़ा रखेंगे, है ना। इट इज एब्सेंट इन रूट एपिडर्मिस, क्योंकि रूट में कोई वाटर लॉस होने का चांस ही नहीं है, वो तो जमीन में धसी हुई है रूट, है ना। किसमें प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन स्टेम एपिडर्मिस, ठीक है, स्टेम एपिडर्मिस सबसे ज्यादा यहां चांसेस होते हैं। देन लीफ एपिडर्मिस, लीफ में सबसे मोटी परत मिलती है, क्योंकि सबसे ज्यादा वाटर लॉस होने के चांस वहीं से है, रूट में तो जरूरत ही नहीं है, तो क्यों रखें, कोई मतलब नहीं है। तो यार यहां पर बात हो गई अपनी क्यूटिकल की। ओके, तो क्यूटिकल हो गया, स्टोमैटल अपर्चर हो गया, एंड एपिडर्मल अपेंडिजेस हो गए। इसके साथ हमारा पहला टिश्यू सिस्टम डन हुआ।
ये पहला टिश्यू सिस्टम क्या है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. तीनों चीजें क्लियर? एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडिजेस. कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है. अगला चलते हैं बेटा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पे. किस पे चलते हैं? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पे. एंड देन हम करेंगे वास्कुलर टिश्यू सिस्टम. पहले वास्कुलर कर लेते हैं फिर ग्राउंड करेंगे, क्योंकि एपिडर्मिस और वास्कुलर के अलावा जो भी बच गया वो ग्राउंड होता है. तो पहले वास्कुलर देख लें, जाइलम फ्लोएम में और कुछ नहीं है. हाँ जी, तो देख लेते हैं बेटा वास्कुलर टिश्यू सिस्टम. वास्क्यूलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है. इसमें क्या आ जाएगा? जाइलम और फ्लोएम आ जाएगा. अब यार जाइलम और फ्लोएम किस हिसाब से अरेंज्ड है, उस हिसाब से हमारे पास दो तरीके का टिश्यू सिस्टम बन जाएगा. ध्यान देना, पहला मैं बोलूंगी रेडियल अरेंजमेंट. मैं इसको यूज करूंगी बेटा जब मैं टीएस कटवाऊंगी. आज मैंने रूट काट देनी है, ठीक है. आप बोलोगे काट देनी है, लेके आए मैम रूट, हाँ ले आओ, ठीक है. या फिर कॉन्जॉइंट, रेडियल या कॉन्जॉइंट. क्या मतलब होता है? रेडियल का मतलब होता है कि मान लीजिए ये सेक्शन है, ठीक है, इसका ये सेंटर है, ये सेंटर है, सर्कल है, सेंटर है, ठीक है. अगर बेटा ऐसा टिश्यू सिस्टम है जिसमें जाइलम और फ्लोएम का रेडियस अलग अलग है, मान लो जाइलम यहां है, ये इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, यानी कि ये जो रेडियस है ये किसका है? जाइलम का रेडियस है. और फ्लोएम का रेडियस कुछ और है, फ्लोएम का रेडियस कुछ और है. ये रहा फ्लोएम, ये रहा फ्लोएम, ये रहा फ्लोएम और ये रहा फ्लोएम. यानी कि फ्लोएम का जो रेडियस है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू जाइलम का रेडियस. इस अरेंजमेंट को जिसमें जाइलम और फ्लोएम, ये देखो जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ये कैसे अरेंज्ड है? अल्टरनेटिवली अरेंज्ड है ना. मतलब जहां जाइलम है उसके पीछे फ्लोएम नहीं है, उसके बीच में है. दो जाइलम के बीच में आपको यहां फ्लोएम दिख रहा है, फिर दो जाइलम के बीच में यहां फ्लोएम दिख रहा है, फिर दो जाइलम के बीच में आपको क्या दिख रहा है? फ्लोएम दिख रहा है. यानी कि व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम दे आर नॉट एट सेम रेडियस, दिस इज कॉल्ड एज अ रेडियल अरेंजमेंट. यानी कि जाइलम और फ्लोएम के पैचेस बैठे हैं. ये एक पैच जाइलम का है, फिर एक पैच जाइलम का है, फिर एक पैच जाइलम, और ये जो पैचेस हैं वो अल्टरनेट है कि पहले जाइलम का पैच आएगा, फिर थोड़े डिफरेंट रेडियस पे फ्लोएम का पैच आएगा, फिर जाइलम का पैच आएगा, फिर थोड़े डिफरेंट रेडियस पे फ्लोएम का, फिर जाइलम का, फिर फ्लोएम का, फिर जाइलम का और फिर फ्लोएम का पैच आएगा. समझ गए? समझ गए रेडियल. चलिए अगला चलते हैं बेटा कॉन्जॉइंट. कॉन्जॉइंट में क्या कह रहे हैं कि यार जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे, एक ही रेडियस पे है. यहां देखो कॉन्जॉइंट जुड़े हुए हैं. क्या है? जुड़े हुए हैं. तो यार ये मान लो ये पैच इकट्ठा है, इकट्ठा पैच है. किसका है? जाइलम और फ्लोएम का पैच इकट्ठा है. तो जाइलम ये फ्लोएम, थोड़ा पतला लिखते हैं, रुको. जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, देन जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, एक ही रेडियस पे, एक ही रेडियस पे दिखाई दे रहे हैं. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट, ठीक है. सेम रेडियस पे प्रेजेंट है, ये कॉन्जॉइंट है. तो यार कहां कहां दिखता है ये जो रेडियल वाला अरेंजमेंट है? ये अपने को देखने में मिलता है रूट में, ठीक है, रूट में जिसमें डिफरेंट रेडियस पे. कॉन्जॉइंट फिर कहां पे देखने पर मिलेगा? लीफ में और स्टेम में, लीफ में और स्टेम में. ओके, अब मैं इसको उठा के रख देती हूं साइड पे, ये देख लीजिए यहां रखती है. ये बेसिक कॉन्जॉइंट है. अब ये कॉन्जॉइंट भी बेटा आगे दो तरीके का है. यस, इट इज ऑफ टू टाइप्स, कोलैटरल एंड बाय कोलैटरल. कोलैटरल एंड बाय कोलैटरल, कोलैटरल डबल टी एक आएगा. यस, कोलैटरल एंड बाय कोलैटरल. मैंने कॉन्जॉइंट को ही आगे क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, जिसमें जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे प्रेजेंट थे. इसमें क्या सीन है कोलैटरल में? ये कहता है कि यार जाइलम सेंटर की तरफ होगा और फ्लोएम बाहर की तरफ, जैसा हमने बनाया था, जैसा बेटा हमने बनाया था. दोबारा बना देते, ये देखिए कोलैटरल में कह रहा है कि यार मान लो ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो यार यहां पे जाइलम अंदर की तरफ है और फ्लोएम बाहर की तरफ है. दिस इज कोलैटरल अरेंजमेंट, सिंपल, जाइलम अंदर फ्लोएम बाहर. चलो बाय कोलैटरल में क्या कहता है कि जाइलम बीच में फंसा हुआ है, सैंडविच्ड है. ये देखो बाय कोलैटरल में क्या कहता है कि यार ये मेरे पास पहले जाइलम आया, ठीक है, जाइलम, पहले मेरे पास फ्लोएम आया, फिर बीच में जाइलम आया, फिर क्या आया? फ्लोएम आया. समझ रहे हो? जाइलम फंस गया, जैसे सैंडविच नहीं बना लेते, दो ब्रेड के बीच में आलू फंस गया, दो ब्रेड के बीच में टमाटर फंस गया, वैसे ही बेटा दो फ्लोएम के बीच में जाइलम फंस गया है. दिस इज बाय कोलैटरल.
ठीक है, कॉन्जॉइंट में सेम रेडियस, सेम रेडियस वाला आगे दो तरीके का, जाइलम अंदर की साइड पे, फ्लोएम बाहर की साइड पे, ये आपको कहां मिलता है, ये क्या कहलाएगा, ये बेटा कहलाएगा कोलैटरल, बाई कोलैटरल एक ही फैमिली में है, दैट इज क्यूकुरबिटेसी, ये जो बेले होती हैं, ये जो आपके घिया कद्दू लौकी ये सब की बेलों में क्या मिलता है, बाई कोलैटरल मिलता है। यस, एक बार बताओ फटाफट से, सब बच्चे बता दीजिए, सब बच्चे बता दीजिए, क्योंकि इस पे बेटा आपको क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। अगर मैं बात करूं कोलैटरल की, तो कोलैटरल आपको कहां मिलता है, इफ वी टॉक अबाउट द लोकेशन, तो यार ये चीज आपको मिलेगी स्टेम में, कहां मिलेगी स्टेम में, और कहां मिलेगी लीफ में, लीफ के, लीफ में, लीफ में आप जानते हैं, मान लो पत्ती है, ये ऊपर की साइड है, ये नीचे की साइड है, पता है ना, तो जाइलम जो है वो ऊपर की साइड पे होता है, फ्लोएम जो है वो नीचे की साइड पे होता है, तो लीफ में दो एपिडर्मिस, जाइलम ऊपर की साइड पे, फ्लोएम नीचे की साइड पे। बायकोलैटरल बेटा आपको कहां मिलेगा, बायकोलैटरल वैसे आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हो, बट फिर भी कर लो, स्टेम ऑफ क्यूकुरबिटेसी, क्यूकुरबिटेसी, ये जो आपका खीरा है, वाटरमेलन है, पंपकिन है, अब आप जानते हैं क्यूकुरबिट्स क्या है, हमने मॉर्फो कर ली है, तो ये हो जाएगा आपका बाय कोलैटरल। ओके, अब यार ये जो कोलैटरल वाला है, ये आगे दो तरीके का है यार, टाइप्स ही टाइप्स है, टाइप्स ही टाइप्स है, तो मैं इसको छोटा करके रख देती हूँ साइड पे, तो यार इसको छोटा करके रुकिए, यस इसको छोटा करके हम रख देते हैं साइड पे। अब यार ये जो अपना कोलैटरल है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ये ओपन भी हो सकता है और क्लोज्ड भी हो सकता है, कोलैटरल समझ गए ना, जाइलम अंदर फ्लोएम बाहर, सो इट कुड बी ओपन और इट कुड बी क्लोज्ड। ओपन में क्या होगा, मान लीजिए बेटा ये मैंने बनाया, इसमें यहां जाइलम है नीचे, फ्लोएम है ऊपर, ओपन वाले में बीच में एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, ओपन वाले में बीच में क्या प्रेजेंट होगा, इंटर फैसिकुलर कैम्बियम, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ डायकॉट में ही होती है, तो कहां मिलेगा देखने को, डायकॉट स्टेम में। ओके, क्लोज्ड वाले में क्या सीन है, क्लोज्ड वाले में बेटा जी क्या सीन है कि कोई कैम्बियम नहीं है, ये देख लीजिए, नो कैम्बियम, ये अपना जाइलम है और ये बाहर की साइड पे फ्लोएम है, नो कैम्बियम, कोई भी कैम्बियम नहीं है। एग्जाम्पल लीफ में मिलेगा और मोनोकॉट स्टेम में, मोनोकॉट स्टेम में, भैया मोनोकॉट को तो घुसाना जरूरी है क्योंकि मोनोकॉट में तो कैम्बियम नहीं होता है, राइट तो समझ आया, समझ आया वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल आएगा, फर्स्ट टाइम समझ रहे हो एक दो मिनट लगेंगे इसको लर्न करने में, अगर सेकेंड थर्ड टाइम समझ रहे हो तो एक एक लाइन बेटा तुमको समझ आएगी, बिल्कुल समझ आएगी। ओके, हाँ जी, यस, दोबारा सुनो, दो तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है, रेडियल यानी कि डिफरेंट रेडियस पे आपको किस में देखने को मिलता है, रूट में देखने को मिलता है, दूसरा अपना क्या है, कॉन्जॉइंट सेम रेडियस पे है। अब जो सेम रेडियस में अगर जाइलम अंदर है फ्लोएम बाहर है तो वो आपका कौन से टाइप हो जाएगी, कोलैटरल, बायकोलैटरल में सैंडविच वाली है वो साइड पे कर दो क्योंकि वो नहीं दी हुई, हमें करनी है कोलैटरल, कोलैटरल में अगर जाइलम फ्लोएम के बीच में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है तो यार वो क्या हो जाएगी, ओपन, अगर नहीं है तो क्या है, क्लोज्ड है। अब मैं आपको दिखाने वाली हूं एनसीईआरटी का डायग्राम, और ये एनसीईआरटी के डायग्राम में तुम मुझे पहचान के बताओगे कि कौन सा क्या है, ये तीन डायग्राम बने हुए हैं, यस कैन यू सी दीज थ्री, दिख रहा है बेटा, हां जी बताना, पहचानो ए बी सी क्या बना हुआ है, ए बी सी क्या बना हुआ है, यस चलिए ए बी सी क्या बना हुआ है, पहचानना आ सकता है, फर्स्ट वाले में देखिए, फर्स्ट वाले में अगर तुम देखोगे तो यार ये जाइलम है, देखो मैं बना रही हूं, ये जाइलम है फिर ये फ्लोएम है, फिर जाइलम है फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है फिर फ्लोएम है, यानी कि ये डिफरेंट रेडियस पर प्रेजेंट है। अगर ये डिफरेंट रेडियस पर है तो ये कैसा अरेंजमेंट है बच्चों, ये कैसा अरेंजमेंट है, ये अपना रेडियल अरेंजमेंट है, ये कैसा अरेंजमेंट है, ये भैया जी रेडियल अरेंजमेंट है, और रेडियल अरेंजमेंट हमें कहां देखने को मिलता है, रूट में, कहां देखने को मिलता है, रूट में, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट वाला सेम रेडियस पे प्रेजेंट है, ये देखो जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस, जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस, अगर बेटा इसकी बात करें सेम रेडियस होने का क्या मतलब है, ये कॉन्जॉइंट है, क्या है, कॉन्जॉइंट है, कॉन्जॉइंट में क्या है, क्या सैंडविच बन रहा है, नहीं सैंडविच नहीं बन रहा, नीचे के अंदर की तरफ जाइलम है बाहर की तरफ फ्लोएम है, यानी कि कंजॉइंट में भी क्या है, ये कोलैटरल है,
ठीक है, कंजॉइंट में भी क्या है ये कोलैटरल है। कोलैटरल होने के बाद हमने देखा क्या ओपन है या क्लोज्ड है, तो यार इसमें देखो कहीं भी मुझे केम्बियम नहीं दिख रहा, यानी कि ये जो बना हुआ है ये क्या बना हुआ है, क्लोज्ड बना हुआ है। ठीक है, क्लोज बना हुआ कहां देखने को मिलता है, पत्ती में। एग्जाम्पल लीफ, जब मैं अकेली पत्ती बोल रही हूं यानी कि मोनोकॉट डायकॉट बोथ, और कहां पर देखने को मिलता है, मोनोकॉट स्टेम में, मोनोकॉट स्टेम में। देन नीचे देखिए अगेन जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस, सेम रेडियस का मतलब है कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट। देन जाइलम अंदर फ्लोएम बाहर, नो सैंडविच, यानी कि कोलैटरल, कोलैटरल। ठीक है, बीच में जाइलम और फ्लोएम के बीच में मुझे इंटरफेसिकुलर केम्बियम में दिखाई दिया, यानी कि कैसा ओपन, कैसा ओपन, कहां देखने को मिलता है, डायकॉट स्टेम में, डायकॉट स्टेम में। तो आपको पहचानना भी आ सकता है। ओके, पहचान लिया, एक एक करके लिखते जाना है, एक एक करके आपको लिखते जाना है उसके बारे में। ठीक है, एक एक करके लिखते जाना है। बेटा कोलैटरल की स्पेलिंग ठीक करिए, कोलैटरल की स्पेलिंग ठीक करिए, जो मैंने लिखे वो करेक्ट है, कोलैटरल नहीं है, कोलैटरल है। ठीक है, कोलैटरल है। चलो, सो यहां पे हमारा क्या खत्म हुआ, यहां पे हमारा सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम भी डन हो गया, एपिडर्मल कर लिया, वास्कुलर कर लिया। एपिडर्मिस और वास्कुलर के बीच में जो भी बचा वो क्या है, ग्राउंड टिश्यू है। जो भी बच रहा है बेटा वो क्या है, ग्राउंड टिश्यू। तो यार ग्राउंड टिश्यू शुरू कर लेते हैं, लेट अस स्टार्ट विद ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। बेटा सेशन लाइक नहीं हो रहा है, मैं देख रही हूं सेशन को लाइक नहीं किया जा रहा और ऐसे ही निकल दिया जा रहा है। फटाफट से बेटा सेशन को लाइक कर दो, इससे बेटा क्या मदद होती है, ये सेशन आपके और मित्रों तक पहुंचता है, और मित्र यानी कि YouTube इसको और आगे तक भेजता है, रेकमेंड करता है। ओके, राइट, कर दिया, नहीं किया यार, नहीं किया। तो एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वास्कुलर सिस्टम, एवरीथिंग इज ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू में हम चार चीजें पढ़ेंगे बेटा, ग्राउंड टिश्यू में हम चार चीजें पढ़ेंगे बेटा, चार चीजें बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अगला जो पार्ट है वो डाइकॉट रूट की एनाटॉमी है, उसमें मैं ये सारी चीजें यूज करूंगी, आई विल यूज ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हम पढ़ेंगे। ओके, पहली चीज बेटा हमने पढ़ी क्या, कॉर्टेक्स। ग्राउंड टिश्यू में आपके पास आ जाएगा कॉर्टेक्स, फिर हम पढ़ेंगे पेरिसाइकल, पेरिसाइकल, देन हम पढ़ेंगे सेंटर में प्रेजेंट होता है पिथ, और होती है रेडियस से निकलने वाली मेड्यूलरी रेज, मेड्यूलरी रेज। ओके, यस, चलिए, तो क्या क्या पढ़ेंगे, कॉर्टेक्स पढ़ेंगे, पेरिसाइकल पढ़ेंगे, पिथ पढ़ेंगे, मेड्यूलरी रेज पढ़ेंगे। हां जी, आ जाइए, कॉर्टेक्स क्या होता है यार, एपिडर्मिस के नीचे और पेरिसाइकल के ऊपर जो जो सामान है वो किसका है, कॉर्टेक्स का। कॉर्टेक्स में सबसे पहली चीज आ जाती है हाइपोडर्मिस, क्या आ जाती है बेटा, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस के नीचे वाला हिस्सा है, ये हाइपोडर्मिस सिर्फ और सिर्फ स्टेम में पाया जाता है, ओनली इन स्टेम, रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होता है, याद रखनी ये सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हाइपोडर्मिस। देन आपके पास आ जाती है जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस से नीचे क्या आ जाएगी, जनरल कॉर्टेक्स, ये हर जगह एवरीवेयर, रूट स्टेम एवरीवेयर। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे जनरल कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस इज ओनली इन रूट्स, ओनली इन रूट्स, यानी कि रूट में एब्सेंट कौन सी है, हाइपोडर्मिस, स्टेम में एब्सेंट कौन सी है, एंडोडर्मिस। ओके, रूट में एब्सेंट कौन सी है, हाइपोडर्मिस, स्टेम में एब्सेंट कौन सी है, आपकी एंडोडर्मिस। ओके, इट इज नॉट इन स्टेम, ओनली इन रूट्स में है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट आ जाता है बेटा पेरिसाइकल में। अब तुम बोलोगे मैम आप ना स्टेम और रूट की बातें कर रहे हो, आपने लीफ की बातें क्यों नहीं की, क्योंकि यार लीफ की बात ना करते ही नहीं है, लीफ में जो भी एपिडर्मिस के अंदर है वो मेसोफिल सेल है, लीफ में कुछ है ही नहीं, मतलब लीफ तो सबसे आसान है, इन लीफ ग्राउंड टिश्यू इज नॉट एट ऑल डिफरेंशिएटेड, ग्राउंड टिश्यू में ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, लीफ में पत्ती में कुछ नहीं है, सब मेसोफिल सेल है जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो वहां का तो मामला ही क्लियर है यार, वहां पे मुझे ये सब लिखना ही नहीं है, वहां पे नाम देने ही नहीं है, तो बात सिर्फ किसकी होगी यहां पर, स्टेम और रूट की होगी। देन आते हैं पेरिसाइकल में, पेरिसाइकल आपको किस में मिलती है, रूट्स में भी मिलती है, ठीक है, इन रूट्स,
पत्ती की बात नहीं करनी, रूट्स में मिलेगी, डाइकॉट स्टेम में मिलेगी, किस में नहीं मिलेगी, किस में नहीं मिलेगी, मोनोकॉट स्टेम में नहीं मिलेगी, मोनोकॉट स्टेम में नहीं मिलेगी, ठीक है। यस, देखो मोनोकॉट स्टेम में ना हाइपोडर्मिस के नीचे कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, बाकी सब एब्सेंट है। पित्त की बात करें, ये भी रूट्स में मिलेगा, पित्त की बात करें तो रूट्स में अपन को मिलेगा, डाइकॉट स्टेम में भी मिलेगा, किसमें एब्सेंट है, किसमें एब्सेंट है, मोनोकॉट स्टेम में। मैंने बताया मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस के नीचे कुछ नहीं है, तो यार इसमें एब्सेंट ही होगा। देन मेडुलरी रेज सिर्फ किसमें मिलेंगी, डाइकॉट स्टेम में, रूट में नहीं मिलेंगी, डाइकॉट स्टेम में। यस, क्या होती है मेडुलरी रेज, मान लीजिए बेटा ये आपका सेक्शन है, सेंटर में पिथ है, ठीक है, पिथ से यहां बाहर आती हुई ऐसी रेज, रे लाइक एक्सटेंशन कमिंग आउट ऑफ पिथ, दिस इज कॉल्ड एज मेडुलरी रेज, इनको बोलते हैं मेडुलरी रेज। ओके, चलिए देख लो फटाफट से, देख लो तो पत्ती में तुमको, पत्ती पहले देखो, रूट स्टेम लीफ, तीन चीजें, पहले लीफ देख लो, लीफ के अंदर ना कॉर्टेक्स है, ना पेरिसाइकल है, ना पिथ है, ना मेडुलरी रेज है। लीफ में, पत्ती में ग्राउंड टिश्यू के नाम पे सिर्फ मीजोफिल सेल है, तो यार ये सब लीफ में तो होगा ही नहीं। देन बचा क्या, रूट और स्टेम, रूट और स्टेम में चार चीजें मैंने आपको बताई, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ और मेडुलरी रेज। कॉर्टेक्स में जो हाइपोडर्मिस है वो रूट में नहीं होती, स्टेम में होती है, जो एंडोडर्मिस है वो रूट में होती है, स्टेम में नहीं होती, ठीक है। और ये तीनों चीजें आपकी मोनोकॉट स्टेम में नहीं होती हैं, किस में होती है, डाइकॉट स्टेम में होती हैं। ओके, यस, तो ये बात हो गई आपकी ग्राउंड टिश्यू की, किसकी बात हो गई बेटा जी, ग्राउंड टिश्यू की। हाँ जी, डन है बच्चों, डन है, हाँ, अडैप्टिव रेडिएशन जैसा बोल सकते हो, एब्सोल्युटली राइट साग्निक दत्ता, मेडुलरी रेज काइंड ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन जैसा ही अपीयरेंस देते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा एक टर्म, जो टर्म आपकी एनसीईआरटी लिखती है, यहां पर डाइकॉट रूट में दिया हुआ है, बट मैं आपको यहीं पे बता देती हूं, क्या बता देती हूं, स्टील। स्टील वर्ड किसके लिए यूज होता है, तीन चीजों के कॉम्बिनेशन के लिए। एंडोडर्मिस के नीचे जो सब प्रेजेंट है वो सब स्टील है, एंडोडर्मिस के नीचे ये देख लो क्या है, एंडोडर्मिस के नीचे ये रहा एंडोडर्मिस, इसके नीचे मुझे क्या दिखा, पेरिसाइकल दिखा, इसके नीचे मुझे क्या दिखा, पिथ दिखा और वास्कुलर बंडल दिखा, यानी कि एंडोडर्मिस के नीचे जो जो माल मसाला है वो सब स्टील है। तो इसमें आ जाएगा एक तो पेरिसाइकल, इसमें आ जाएगा पिथ और बेटा वास्कुलर बंडल भी आ जाएगा, वास्कुलर बंडल, यानी कि एनीथिंग प्रेजेंट बिलो एंडोडर्मिस, बिलो एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, ठीक है। यस, कहां कहां देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल ऑब्वियसली रूट में, मोनोकॉट डायकॉट दोनों, और डायकॉट स्टेम में, डायकॉट स्टेम में, ठीक है, क्योंकि हमने देखा पिथ इज एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम, पत्ती में तो होता ही नहीं, पत्ती में तो कोई बात ही नहीं करते हैं इसकी, राइट। यस, हां जी, अंकित रॉय बेटा, क्योंकि बिटेसी बेलें होती है, जिसकी बेल नहीं निकलती ऐसे, घिया, कद्दू, तोरी, गंदी गंदी सब्जियां जिसमें आती है, खीरा, वाटरमेलन, पंपकिन, ये सब आते हैं आपके क्यूकुरबिटेसिया के अंदर। ओके, चलो अब इस चैप्टर का डिफिकल्ट भाग एक तरीके से तुम बोल सकते हो, जो तुम्हें लगता है वो शुरू करने वाले हैं। अब तक हमने क्या किया, एक बार डायग्राम्स देख लीजिए बेटा, आज हमने सबसे पहले टिश्यू सिस्टम करे, क्या करे एक बार फटाफट से देख लो, क्या करे बेटा, टिश्यू सिस्टम करे, ठीक है। देन हमने तीन तरीके के टिश्यू सिस्टम करे, पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जिसमें हमने देखा एपिडर्मिस है सबसे आउटर मोस्ट है, और बेटा इलॉन्गेटेड सेल्स है, नो आईसीएस, देन बेटा पेरेन्काइमेटस सेल्स है, उसके बाहर हमने देखा कि रूट को छोड़ के स्टेम और लीफ की एपिडर्मिस पे क्यूटिकल पाई जाती है, फिर बेटा उस पर छोटे छोटे छेद जिनको स्टोमेटा बोला, जिसमें गार्ड सेल्स होंगे, अलग अलग शेप भी देख ली, देन गार्ड सेल्स आर द ओनली एपिडर्मल सेल्स जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होती है, और उसके बाहर एक और एपिडर्मल सेल्स जिनको सब्सिडरी सेल बोला। फिर बेटा फोटो देख लीजिए, Yes, ये किडनी शेप गार्ड सेल है, यानी कि किसका डायग्राम है, डायकॉट का, ये डंबल शेप गार्ड सेल है, यानी कि किसका डायग्राम है, मोनोकॉट का, आपको पहचानना आना चाहिए, आप अच्छे से देखिए। फिर एपिडर्मिस से निकलने वाले कुछ एक्सटेंशंस हैं, रूट से निकलने वाले यूनिसेलर रूट हेयर, स्टेम से निकलने वाले जनरली मल्टीसेलर ट्राइकोम्स और स्टेम
हेयर, ठीक है। दोनों का ओरिजिन क्या है? एक्सोजेनस है, लेकिन रूट हेयर ऑलवेज एंड ऑलवेज यूनि होंगे, स्टेम हेयर दोनों हो सकते हैं। रूट हेयर का काम है पानी के एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाना, स्टेम हेयर का काम है वाटर लॉस को प्रिवेंट करना, उल्टा ही काम है। देन हमने किया कि वास्कुलर बंडल और एपिडर्मिस के बीच का जो माल मसाला है वो ग्राउंड टिश्यू है, जो कि पत्ती में नहीं है, पत्ती मतलब मेसोफिल सेल है, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या आ जाएगा? ये सारे टिश्यूज आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है इन पत्ती, इन लीफ, इन लीफ बेटा ग्राउंड टिश्यू में सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? मेसोफिल सेल होंगे, जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। इन्होंने ग्राउंड टिश्यू में बेटा पेरिसाइकल कॉर्टेक्स अभी नहीं डिवाइड करा, मैंने डिवाइड इसलिए कर दिया है ताकि आपको सेक्शन बनाने में मदद हो जाए। नेक्स्ट बेटा वास्कुलर टिश्यू में हमने क्या किया? हमने किया केम्बियम के बारे में, ओपन केम्बियम, क्लोज, रेडियल, कॉन्जॉइंट, कोलैटरल और बायकोलैटरल, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आ रहे हैं बेटा इस चैप्टर के डिफिकल्ट हिस्से पे, दैट इज एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ का सेक्शन बनाएंगे, काट कर देखेंगे। तो काट लें, हां जी बेटा काट लें, बता दो, ले आओ रूट को। यस, चलिए मेरे साथ साथ पढ़ोगे ना, मेरे साथ साथ जो बच्चा पढ़ेगा, जिसने मेरी हर क्लास लगाई और आने वाली 2 महीने की सारी क्लासेस लगाएगा, चाहे वो कहीं भी हो यार, तुम क्रैश में हो, तुम प्लस में हो, नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन अगर आप रेगुलर रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो यार आप कोई ताकत नहीं है, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें सिलेक्शन से दूर लेकर जाए, कोई ताकत नहीं है यार। मोटिवेशन से बड़ी चीज होती है डिसिप्लिन। कभी भी आज मेरा मन नहीं था, मैं आपको सच बताऊं बेटा, टुडे आई वॉज नॉट एट ऑल फीलिंग लाइक टेकिंग अ क्लास, आई वॉज फीलिंग लाइक यार क्लास को करो ट्रांसफर, आई वॉज नॉट इन दैट अप मूड, ठीक है। हर दिन सेम नहीं होता, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि यार आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आज लग रहा है कि सब बुरा हो रहा है, आज लग रहा है कि यार आज जब आप कंपेयर करने लगते हैं, है ना, जब आप कंपेयर करने लगते हैं तो आपको लगता है कि यार मैं कहीं स्टैंड नहीं करता हूं, मेरा कुछ नहीं बन पाएगा, शायद मैं जीत नहीं पाऊंगा। देन बेटा आपको काम आती है डेली affirmations। आज मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील डाली थी और वो मैंने उसी समय डाली थी when I was also feeling very low, राइट कि आपको हर दिन सोचना है कि जो तुम काम कर रहे हो, यू आर वर्थ ऑफ इट, यू डिजर्व इट, एंड यू विल डिजर्व इट बाय डूइंग द हार्ड वर्क फॉर दैट। तो आप यार हार्ड वर्क करो, बिल्कुल निकलोगे। मन नहीं है कोई बात नहीं, डिसिप्लिन इज मोर देन मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी इज मोर देन मोटिवेशन। हर दिन जो बच्चा क्लास लगाएगा वो बच्चा लाखों बच्चों से ऑटोमेटिकली ऊपर है, लाखों बच्चों से यार, लाखों बच्चों से। तो यार तुम कर सकते हो, मिलके करेंगे, ओके। एंड आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी आने वाला है, आज तुम्हारी दृढ़ निश्चय को मैं परखने वाली हूं। दृढ़ निश्चय बोला जाता है बेटा, एक आदत को बनाने के लिए कितने दिन लगते हैं बताओ, एक आदत को बनाने के लिए कितना दिन लगता है? यस, जरा आंसर किसको पता है? एक आदत को बनने और बिगड़ने में कितने दिन लगते हैं? एक आदत को बनने और बिगड़ने में बच्चों कितने दिन लगते हैं? यस, एक आदत को बनने, आहा कह रहे 1 घंटा, बेटा एक आदत को बनने और बिगड़ने में लगते हैं सिर्फ 21 दिन। 21 दिन ऐसा बोला जाता है, खैर मैंने भी बेटा इस चीज को कभी पालन नहीं किया टू बी ऑनेस्ट, बट आज बेटा मैं आपके साथ अगले 21 दिन कुछ करना चाहती हूँ, जिसका अनाउंसमेंट आपको इस क्लास के तुरंत बाद मिल जाएगा। तो मेरे टेलीग्राम पर जुड़े रहना, वहाँ पर एक 21 दिन का चैलेंज आ रहा है, एंड दैट 21 डेज इफ यू विल डू इट, बेटा चांसेस जो है ना आपके नीट क्रैक करने के, डॉक्टर बनने के, जिंदगी में कुछ अच्छा करने के, क्योंकि जब एक दृढ़ निश्चय आ जाता है तभी बेटा आप कुछ अच्छा कर पाते हैं। तो ये 21 दिन बस जो मैं बोल रही हूँ वो कर लेना और उस चैलेंज में पार्टिसिपेट जरूर करना। और मैं बताऊं, सिर्फ हिम्मती लोग ही, गट्स वाले लोग ही उस चैलेंज में पार्टिसिपेट करेंगे। सो इस सेशन के बाद बेटा आई एम गोइंग टू शेयर दैट 21 डे चैलेंज, तो सी पाओ जब बायोलॉजी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहीं पर आएगा वो, वहीं पर आएगा, ओके। क्योंकि मैं तुम्हारी आदत बना के रहूंगी। मोटिवेशन तो यार जो मैं देती हूँ वो देती हूँ, वो जरूरी है, बिना उसके भी काम नहीं है, बट कंसिस्टेंसी मुझे तुम्हारी मेंटेन करानी है। और यार ये 21 दिन चैलेंज हर बच्चा लेगा तभी बात बनेगी, ओके। चलिए शुरू करते हैं बेटा, काटना पीटना। तो ले आओ बेटा डायकॉट की स्टेम को, किसको ले आइए? डायकॉट की सॉरी रूट से, नीचे से शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं? नीचे से शुरू करते हैं, डायकॉट रूट से, ओके। रेडी है तो रूट को काट ले, रूट ही है ना, एक बार देख ले। हाँ पहले रूट करना है हमने,
चलिए रूट को बेटा काटना सीखते हैं। मैं आपको वन बाय वन काट के दिखाऊंगी और कौन सा सेक्शन काटना है। देखिए अगर हम किसी चीज को ऐसे काटते हैं और फिर खोल के देखेंगे, मान लीजिए इसको ऐसे काटा और फिर खोल के देखा, दैट इज ट्रांसवर्स सेक्शन, ऐसे काटो। अगर तुम किस चीज को ऐसे काटोगे, दैट इज गोइंग टू बी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो हम लोग रूट का कौन सा सेक्शन ले रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन ले रहे हैं। ऐसे काटेंगे और फिर खोल के देखेंगे भैया इसमें क्या क्या सामान प्रेजेंट है। तो यार मान लीजिए मैंने इसको ऐसे काटा तो क्रॉस सेक्शन कैसा बन जाएगा, क्रॉस सेक्शन बेटा कैसा बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, राउंड बन जाएगा। तो इस राउंड में बाहर बाहर कुछ भी कुछ सेल्स होंगे, सेंटर में कुछ होगा और इसके बीच में क्या होंगे, सेल्स प्रेजेंट होंगे। अब यार जो भी क्रॉस सेक्शन बनेगा वो एक्चुअल में पूरा ऐसे सर्कल में प्रेजेंट होगा, यानी कि यहां जो सेल्स है वो भी सर्कल में, यहां जो सेल्स है वो भी सर्कल में। लेकिन बेटा टू सेव टाइम मैं पूरा पूरा सर्कल नहीं बनाऊंगी। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं बेटा अगर ये सर्कल है तो यार इसका सेंटर है तो आई विल ड्रॉ ओनली वन साइड, मैं एक ही साइड को ड्रॉ करूंगी। उसे आप इमेजिन कर लीजिएगा कि वो पूरी साइड पे ही प्रेजेंट होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। इतना समझते हैं, इतना बेटा बेसिक चीज समझते हैं। चलिए ड्रॉ करते हैं बेटा डायकॉट की रूट। क्या ड्रॉ करते हैं, डायकॉट की रूट। हां जी, तो आप प्लीज इसको लैंडस्केप मोड में बनाइएगा अपनी कॉपी में, पोर्ट्रेट मोड में आपको टाइट टाइट हो जाएगा, या फिर आप सिर्फ लेबल करिए, लिखने का बाद में करिएगा। ओके, तो आपकी इच्छा है, लैंडस्केप में बनाओगे ज्यादा आसान है। यस, तो काट लिया, क्रॉस सेक्शन कैसा बना, राउंड बना। सबसे बाहर बेटा क्या प्रेजेंट होगा, एपिडर्मिस। तो पहले मैं लेबल करूंगी फिर बेटा मैं सबको एक्सप्लेन भी करूंगी। सबसे बाहर बेटा जी जो अपने पास सेल्स प्रेजेंट हैं वो किसके हैं, एपिडर्मिस के हैं। किसके हैं, एपिडर्मिस के हैं। ये जो रूट की एपिडर्मिस है इसको अलग नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं एपिब्लेमा। क्या बोलते हैं बेटा जी इसको, एपिब्लेमा, या फिर राइजोडर्मिस भी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, राइजोडर्मिस भी बोलते हैं। ओके, सो द एपिडर्मिस ऑफ रूट का अदर नेम अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम क्या बोलोगे, एपिब्लेमा। क्या बोलोगे, एपिब्लेमा या फिर राइजोडर्मिस। अब इसी एपिडर्मिस की एक एक्सटेंशन बताई थी तुमको, क्या, यूनिसेलुलर एक्सटेंशन, दैट इज गोइंग टू बी रूट हेयर। ये मैंने आपके सामने क्या बनाए हैं, रूट हेयर, जिनका ओरिजिन क्या बताया था, ये मैं लिखवा चुकी, मैं दोबारा नहीं लिखवाऊंगी, ये मैं लिखवा चुकी, मैं दोबारा नहीं लिखवाऊंगी। ये इसका ओरिजिन क्या रहेगा बेटा, एक्सोजीनस रहेगा और ये हमेशा हमेशा क्या होते हैं, यूनिसेलर होते हैं। अब यार रूट हेयर से अंदर जाओ, क्या आ जाएगा आपका, ग्राउंड टिश्यू आ जाएगा। ग्राउंड टिश्यू में हमने यहां पर क्या डिस्कस किया था, पीछे जाओ, ग्राउंड टिश्यू में बेटा हमने डिस्कस किया था कॉर्टेक्स, हमने डिस्कस किया था पेरिसाइकल, हमने डिस्कस किया था पिथ। ये सब चीजें बनाऊंगी मैं यहां पर, ठीक है, सब चीजें बनाऊंगी। तो सबसे पहले मुझे एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या दिखाई दिया बेटा, दो तीन रंगों के पेन होने चाहिए तभी अच्छा बनेगा, दो तीन रंगों के पेन होना चाहिए। इसके नीचे बेटा मुझे थोड़े खुले खुले से सेल दिखाई दिए जिसमें आईसीएस है, मल्टी लेयर्ड है। इन सेल्स को बेटा हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। यस, क्या दिखाई दिया मुझे इसके नीचे, कॉर्टेक्स। कैसा दिख रहा है, पतले पतले सेल है, राउंड सेल है, मल्टी लेयर्ड है। क्या है, मल्टी लेयर्ड है, एक से ज्यादा लेयर तुम्हें दिखाई दे रही है यहां पर। ओके, राइट, चलिए, तो ये सेल हो जाएंगे आपके कॉर्टेक्स के जिसमें बहुत सारी स्पेसेस हैं। देखो इतनी स्पेस है कि तुम ध्यान से देख सकते हो, कॉन्स्पिकुअस इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। क्या है, कॉन्स्पिकुअस इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। ओके जी, नेक्स्ट आ जाइए अंदर, और अंदर आएंगे तो बड़े टाइटली पैक्ड से सेल्स हैं, आईसीएस जिसमें एब्सेंट है, एंड दीज टाइटली पैक्ड सेल्स आर सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस। किसके सेल्स हैं, यस, दीज आर सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस। देख रहे हो, ये क्या है बेटा आपका, एंडोडर्मिस। बेटा मैं सबकी डिटेल अगले पेज पर लिखूंगी, तो एक बार आप लेबल कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एंडोडर्मिस सिंगल लेयर्ड बिना आईसीएस के सेल्स होते हैं। ये देखो यहां हमने लिखा भी था, ये रहा एंडोडर्मिस। मैंने यहां पर हाइपोडर्मिस क्यों नहीं बनाया, क्योंकि बेटा ये तो सिर्फ स्टेम में होता है, रूट में होता ही नहीं है, इट इज एब्सेंट इन रूट। तो यार हाइपोडर्मिस नहीं बनाया मैंने, डायरेक्ट क्या बनाया आपका, एंडोडर्मिस बनाया, ठीक है, कॉर्टेक्स बनाया, जनरल कॉर्टेक्स एंड देन आपका एंडोडर्मिस। अब शुरू करते हैं अगला, अगला क्या है, यहीं पे उसी फ्लो चार्ट में देखिए, नेक्स्ट वन इज पेरिसाइकल। तो यार इस एंडोडर्मिस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इस एंडोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होगा पेरिसाइकल। नेक्स्ट लेयर इज गोइंग टू बी पेरिसाइकल। ऑर्डर याद रखना है, क्या याद रखना है, ऑर्डर याद रखना है, पेरिसाइकल। यस, ओके, पेरिसाइकल, यस। चलिए नेक्स्ट आपको क्या दिखेंगे, मैं सेंटर पहले बना देती हूं। ये बेटा आपका सेंटर है, सेंटर पे आपको क्या दिखता है, पिथ दिखता है। सेंटर पे क्या दिखता है आपको, पिथ दिखता है।
इसके अराउंड क्या प्रेजेंट होंगे? साइलम, फ्लोएम। कैसा अरेंजमेंट होता है रूट में? रेडियल, यानी कि साइलम डिफरेंट रेडियस पे और फ्लोएम डिफरेंट रेडियस पे। तो मान लो ये साइलम है, ये भी साइलम है, ये भी साइलम है, ये भी साइलम है, चार पैच बनाए, जनरली चार ही होते हैं। देन बेटा डिफरेंट रेडियस पे आपको क्या मिलेगा? फ्लोएम भी मिलेगा। ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है और ये फ्लोएम है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपको मिलेंगे कुछ स्पेशल टिश्यूज। ये देखिए, ये देखिए, इस टिश्यू को बोलते हैं कंजंक्टिव टिश्यू। यस, इस टिश्यू का मैं क्या नाम रख दूं? कंजंक्टिव टिश्यू। स्पेशल पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं ये भी, ठीक है, बिटवीन वास्कुलर बंडल्स। ये जो जाइलम फ्लोएम दिखाई दे रहा है, ये क्या है? वास्कुलर बंडल। सबका डिटेल बेटा मैं अभी लिखने वाली हूं। हाँ जी, तो एक बार देख लो कि यार डाइकॉट रूट में क्या क्या चीजें मौजूद है। बाहर क्या है? एपिडर्मिस, जिसका नाम है एपिब्लेमा या राइजोडर्मिस। उसके अंदर है दूर दूर प्रेजेंट आईसीएस के साथ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर आपको क्या दिखती है? एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस नहीं होती है इसमें। देन इससे एंडोडर्मिस से अंदर आओगे क्या दिखेगी? पेरिसाइकल दिखेगा। और इससे अंदर आओगे क्या दिखाई देगा बेटा? तो वह वास्कुलर बंडल, जिसके बीच बीच में कंजक्टिव टिश्यू दिखेगा। एंड देन बेटा सेंटर में क्या दिखेगा आपको? पिथ दिखेगा। ओके, वन बाय वन बेटा अब मैं इसको एक्सप्लेन करने वाली हूं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। देखिए ये मैंने बनाया सिर्फ इतनी साइड है, लेकिन है ये पूरा, ये भी पूरा, ये भी पूरा, पूरे में प्रेजेंट होगा। तो वन बाय वन बेटा डिटेल करते हैं डायकॉट रूट में एपिडर्मिस का। अब तुम्हें सब आता है? यस, एपिडर्मिस का दूसरा नाम बेटा मैंने क्या बताया? एपिब्लेमा। क्या बनाया? एपिब्लेमा या राइजोडर्मिस। ये जो एपिडर्मिस है ये किस वाले सेल से बनी हुई है? पैरेन्काइमेटस सेल से बनी हुई है, ठीक है। ऑब्वियसली बेटा बाहर प्रेजेंट है तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। इसके पास एक्सटेंशंस हैं और उन एक्सटेंशंस को हम क्या बोलते हैं? रूट हेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट हेयर बोलते हैं। क्या रूट की एपिडर्मिस के पास क्यूटिकल की रिक्वायरमेंट है? तो भैया बोलोगे नहीं है ना, यहां से कौन सा वाटर लॉस होना है जो क्यूटिकल लगाए? कोई क्यूटिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या रूट की एपिडर्मिस के पास स्टोमेटा होगा? तुम बोलोगे यार स्टोमेटा क्या करेंगे, वहां से कौन सा गैशियस एक्सचेंज करना है, यहां पर स्टोमेटा नहीं होगा। क्या इस एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होगा? नहीं होगा, वो हमने पिछले डायग्राम में कर लिया है। तो ये बात हो गई, ये डब्बा बन गया आपका किसका? एपिडर्मिस का। ये डब्बा बेटा किसका बन गया आपका? एपिडर्मिस का, ठीक है बच्चों। यस एवरीवन इज विद मी, एवरीवन इज विद मी। यस, किसका डब्बा बना? ये एपिडर्मिस का डब्बा बन गया। नेक्स्ट अपने लोग करते हैं कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के अंदर क्या प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स, खुले खुले से सेल है, पैरेन्काइमा के सेल्स हैं, आईसीएस खूब है, कॉन्स्पिक्यूअस आईसीएस है। नेक्स्ट इज कॉर्टेक्स। मेरे साथ साथ बेटा याद करते जाना है। ये जो कॉर्टेक्स के सेल हैं ये भी कैसे हैं? ये पतले पतले थिन वॉल्ड हैं और कैसे हैं? राउंड है। इसमें भर भर के क्या है? आईसीएस मौजूद है, इतना मौजूद है कि तुम देख सकते हो। देखने वाली चीज को हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्स्पिक्यूअस। जब भी इंग्लिश में आ जाए कॉन्स्पिक्यूअस, यानी कि क्लियरली विजिबल, क्लियरली विजिबल आपके पास आईसीएस है। ये भी किन सेल से बने हैं? पैरेन्काइमेटस सेल से बने हैं। कितनी लेयर है? एक लेयर है कि मल्टी लेयर है? तुम बोलोगे मल्टी लेयर है। क्या है? मल्टी लेयर्ड है, ठीक है जी। यस, मल्टी लेयर्ड है। चलिए तो ये बात हो गई आपके किसकी? कॉर्टेक्स की। एवरीवन इज विद मी टिल नाउ? हां जी बेटा, सब बच्चे मेरे साथ हैं इस समय। ये बात किसकी होगी? कॉर्टेक्स की। तो इन दोनों को उठा के रख देते हैं साइड पर। चलो जी, अरे तुम अकेले कैसे चले गए? यस, सबको उठा के रख देते हैं साइड पर और हम चलते हैं अगले हिस्से पे, दैट इज एंडोडर्मिस। यस बेटा, हां जी, ओके। चलो नेक्स्ट, अगला क्या है? अगला बेटा और अंदर चलते हैं। एपिडर्मिस हो गया, रूट हेयर के बारे में बात होगी, कॉर्टेक्स के बारे में बात होगी। अब चलते हैं यार इस अगली लेयर पे, एंडोडर्मिस। ये यू नो आपको आउटर ट्विनर अगर आप जाएंगे तो क्या क्या चीजें प्रेजेंट है पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस तो नहीं होती है रूट में, क्या होती है? एंडोडर्मिस होती है। ये भी सिंगल लेयर्ड है, जैसे मैंने वहां पर बताया है, इट इज सिंगल लेयर्ड। इसमें भी कोई आईसीएस नहीं है, कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। पता है इसके सेल कैसे होते हैं? गोली के जैसे सेल होते हैं, बैरल शेप्ड सेल। बैरल यानी कि गोली, बैरल यानी या फिर इलोंगेटेड सेल, लंबे लंबे सेल्स होंगे, इलोंगेटेड सेल्स होंगे।
इन्हीं सेल्स के ऊपर, मान लीजिए सेल है, इसी सेल के ऊपर बेटा एक केमिकल डिपॉजिट होता है जिसका नाम है स्यूबरिन। यस, ये हमने पढ़ा था यार, ये क्या डिपॉजिट होता है? स्यूबरिन। ये स्यूबरिन की डिपोजिशन से क्या बनती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप। डू यू रिमेंबर? कैस्पेरियन बेटे साइंटिस्ट का नाम था जिसने डिस्कवर किया था। क्या बनती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप बनती है। हमने वहां किया था कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चेक पॉइंट की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट करता है? चेक पॉइंट की तरह, और सिंप्लास्टिक मूवमेंट में मदद करता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी प्लांट फिजियो में। तो ये बात हो गई आपकी एंडोडर्मिस की। ये भी पेरेन्काइमेटस सेल से ही बनती है, पेरेन्काइमा के सेल से ही बनती है। ओके, चलो इसका डब्बा कर देते हैं अलग। दिस इज गोइंग टू बी द एंडोडर्मिस वाला पोर्शन। ठीक है, ये क्या है आपका एंडोडर्मिस। इसको भी उठा के रख देते हैं साइड पे। बेटा मैं सब चीजें साइड पे रखती जा रही हूं, अल्टीमेटली आपको सब कुछ मिल जाएगा, अल्टीमेटली सब कुछ मिल जाएगा। सिंस आई वॉन्ट कि जहां मैं खड़ी हूं वहां से आपको सब चीजें दिखाई दें जो मैं लिख रही हूं, इसलिए आई एम पुटिंग देम ऑन साइड। नेक्स्ट लेयर एंडोडर्मिस के, और अंदर आ जाइए। अंदर आएंगे तो आपको क्या मिलेगी? पेरिसाइकल मिलेगी। क्या मिलेगी? पेरिसाइकल। देखिए यार, ये जो पेरिसाइकल है ये एक से ज्यादा लेयर की होती है। यहां पर मैंने बनाया तो यार एक लेयर है, ये जो पिंक वाली बनाई है, बट इट कुड बी फ्यू लेयर्ड। ठीक है, मोटे मोटे इसमें सेल्स प्रेजेंट होंगे, सो इट कुड बी मोर देन वन लेयर, यानी कि फ्यू लेयर की हो सकती है। इसमें बड़ा फोकस करना है। ठीक है, ये भी पेरेन्काइमा के सेल से बनी होती है। देन बेटा थिक वॉल्ड सेल्स है, थिक वॉल्ड सेल्स है, और आईसीएस जनरली होती हैं, आईसीएस जनरली प्रेजेंट। अब यार फंक्शन ऑफ पेरिसाइकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, किस काम आती है? आपको याद है यार रूट में हमने करा था कि एक मेन रूट होती है और फिर एक लिटरल ब्रांचेस निकलती है रूट की, तो जो लिटरल ब्रांचेस बनाने का काम है वो पेरिसाइकल का है। फिर हमने मॉर्फो में लिखा था यार जो लिटरल ब्रांचेस निकलेंगे उनका ओरिजिन एंडोजीनस होता है। एंडोजीनस क्यों? क्योंकि अंदर पेरिसाइकल से निकल रही हैं। देयर फंक्शन ऑफ पेरिसाइकल, फर्स्ट फंक्शन इज गोइंग टू बी दे फॉर्म लेटरल रूट्स, लेटरल रूट्स। तो यार लेटरल रूट्स का ओरिजिन एंडोजीनस हुआ ना, एक्सोजीनस थोड़ा हुआ, क्योंकि अंदर से निकल रही है रूट। और एक्सोजीनस है, ये क्या है? एंडोजीनस है, ये काम इनका। दे फॉर्म वन थर्ड पार्ट ऑफ वास्कुलर केम्बियम। ये जो वैस्कुलर केम्बियम का एक तिहाई हिस्सा है वो किससे बनता है? पेरिसाइकल से ही बनता है। एक तिहाई हिस्सा पेरिसाइकल से बनता है। और बेटा ये क्या बनाता है? कॉर्क केम्बियम बनाता है, कॉर्क केम्बियम बनाता है। देखो जो वैस्कुलर केम्बियम है उसका कुछ हिस्सा तो पेरिसाइकल बनाता है, कुछ हिस्सा कंजक्टिव टिश्यू बनाता है। हमने पढ़ा था ना पिछले, ये रहा कंजक्टिव टिश्यू, ये बीच में व्हाइट व्हाइट कलर का, दिस इज कंजक्टिव टिश्यू। ओके, तो वैस्कुलर केम्बियम और कॉर्क केम्बियम दोनों सेकेंडरी ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल है, दे आर रिस्पॉन्सिबल इन द सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, यस डन बेटा। पेरिसाइकल के बारे में बात क्लियर हो गई। पेरिसाइकल फ्यू लेयर्ड होगा, ये भी पेरेन्काइमेटस होगा, आईसीएस होंगी, फंक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है, लेटरल रूट यहां से निकलेगी और ये वास्कुलर केम्बियम और कॉर्क केम्बियम बनाने में कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, कॉन्ट्रीब्यूशन बेटा जी ये देता है। तो ये बात होगी बेटा जी पेरिसाइकल की। किसकी बात हो गई? पेरिसाइकल की। हां जी, तो पेरिसाइकल को उठा के रख देते हैं यहां, इस पी को भी उठा के रख देते हैं यहां। हाँ जी, चलो अपने पेरिसाइकल के साथ। ओके, तो ये बात होगी पेरिसाइकल की। नेक्स्ट अपने लोग और अंदर चलिए, किस पे आ जाएंगे? वास्कुलर बंडल पे, है ना? किस पे आ जाएंगे? वास्कुलर बंडल। बेटा एक ही पेज में मैं सब कंप्लीट कर दूंगी, आई विल कंप्लीट एवरीथिंग इन वन पेज। ठीक है, चलो वास्कुलर बंडल। हाँ जी बेटा, इसमें जो प्रोटोजाइलम है वो पेरिफ्री की तरफ होता है, यानी कि कंडीशन कैसी है? एक्सार्क कंडीशन है, एक्सार्क कंडीशन है। रेडियल है ये आपने देख लिया, क्योंकि अल्टरनेट प्रेजेंट है, पैची फॉर्म है। कितने पैच दिखाई दे रहे हैं बेटा यहां पर? जाइलम फ्लोएम के कितने पैच? जाइलम चार, फ्लोएम भी मैंने कितने बनाए? चार। जनरली 2 to 6 होते हैं, यहां पर देखो 2 to 4। तो हम याद करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 to 4 पैचेस हो सकते हैं जाइलम और फ्लोएम के। कितने पैच होंगे? 2 to 4 patches of xylem and phloem. अगर 4 patch हैं, तो 4 वाली condition को क्या बोलोगे? Tetrarch बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा 4 वाली condition को? Tetrarch बोलोगे। 4 patch दिखाई दे रहे हैं ना, 4 patch दिखाई दे रहे हैं, तो xylem, 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 4। Phloem, 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 4। Radial arrangement, क्योंकि different different radius पे present हैं, different radius पे present हैं। Okay? चलिए, तो ये बात हो गई आपके वास्कुलर बंडल की। नेक्स्ट अपना बचता है कंजक्टिव टिश्यू।
नेक्स्ट आपका क्या बचता है? कंजक्टिव टिश्यू, बीच बीच में प्रेजेंट है, पैरेन्काइमा के सेल है। बेटा अभी मैं डायग्राम आपको एनसीईआरटी वाला भी दिखाऊंगी, आई विल शो यू। कंजक्टिव टिश्यू में बेटा पैरेन्काइमा के सेल है, वास्कुलर बंडल के बीच बीच में प्रेजेंट है। ये क्या बनाते हैं? बचा हुआ हिस्सा ऑफ वास्कुलर कैम्बियम, 2/3 ऑफ वास्कुलर कैम्बियम इनके द्वारा बनता है, 1/3 पेरिसाइकल और 2/3 वास्कुलर कैम्बियम का इसके द्वारा बनता है। तो देख लो यार, डाइकॉट रूट में क्या बचा? कुछ नहीं बचा। कैसे याद रखोगे? सबसे बाहर एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव सिंगल लेयर, निकलेंगे वहां से रूट हेयर, क्या नाम है उसका दूसरा? एपिब्लेमा या फिर राइजोडर्मिस, ठीक है जी, वो भी पैरेन्काइमा के सेल्स हैं। आईसीएस उसमें रखे? नहीं रख सकते। उसके अंदर आइए क्या दिखेगा? कॉर्टेक्स मल्टीलेयर्ड, बहुत अच्छे से आपको आईसीएस दिखेंगे, कॉन्स्पिकुअस आईसीएस, पतले पतले सेल्स होंगे बेटा इसमें, थिन वॉल्ड सेल्स हैं, ठीक है, मल्टीलेयर्ड है। उसके अंदर आ जाओ, हाइपोडर्मिस रखनी है? नहीं, रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होती। अगला हिस्सा रखेंगे हम एंडोडर्मिस। इस एंडोडर्मिस के सेल्स कैसे होंगे? बैरल शेप। ये सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? स्यूबेरेन। और कौन सी स्ट्रिप बनाएंगे? कैस्पेरियन स्ट्रिप बनाएंगे। टाइटली पैक्ड सेल्स हैं, ठीक है, ये क्या है आपके? टाइटली पैक्ड सेल्स हैं। आईसीएस इसमें नहीं होती है, गोली की तरह सेल होते हैं, जो बंदूक की गोली निकलती है बैरल, उसकी तरह आपके सेल्स होंगे और कैस्पेरियन स्ट्रिप बनाते हैं। देन आ जाए पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के बारे में अगर बात करें, ये भी फ्यू लेयर्ड है, एक से ज्यादा लेयर की हो सकती है, थिक थिक मोटे मोटे सेल्स हैं। और बेटा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां से एंडोजीनसली क्या निकलती है? लेटरल रूट्स। और इसका 1/3 हिस्सा वास्कुलर कैम्बियम बनाता है विद कंजक्टिव टिश्यू, और ये क्या बनाता है? कॉर्क कैम्बियम बनाता है। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आ जाइए बेटा आप वास्कुलर बंडल पे, रेडियल अरेंज्ड है, कितने पैच है? 2 से 4, यानी कि 4 कंडीशन लेके चले तो टेट्रार्क कंडीशन तुम इसमें बोलोगे, ठीक है। देन हमने बात की कंजक्टिव टिश्यू, कौन सा सेल है? पैरेन्काइमा का सेल है। क्या काम है? ये और पेरिसाइकल मिलके क्या बनाते हैं? वास्कुलर कैम्बियम बनाते हैं। बचा क्या अपने पास? पिथ। पिथ के बारे में बेटा मैं खास बात यहीं पे लिख देती हूं। पिथ जो है ना, ये भी बहुत बड़ा सा सेंट्रल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी आईसीएस होते हैं और कॉन्स्पिकुअस आईसीएस है, आईसीएस जो है इसके लार्ज हैं और अच्छे से दिखाई देते हैं, बट अपने आप में पिथ पुअरली डेवलप्ड है, ये कॉन्स्पिकुअस नहीं है, पुअरली डेवलप्ड पिथ होता है सेंटर में, नॉट कॉन्स्पिकुअस, मतलब पूरा का पूरा पिथ अच्छे से कॉन्स्पिकुअस नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो आईसीएस है वो काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट में है, तो यार वो अच्छे से दिखाई देते हैं। तो कॉर्टेक्स एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल, कंजक्टिव टिश्यू एंड पिथ। सब बच्चे बताइए क्या ऑर्डर याद हो गया? क्या बच्चों ऑर्डर याद हो गया मेरे? हाँ जी बेटा फटाफट से बता दो, क्या आपको ऑर्डर याद हो गया डायकॉट रूट का? क्या मैं यही स्ट्रक्चर तुमको दिखा दूं एनसीईआरटी से? हाँ जी। ओहो एनसीईआरटी कहां गई? ये रही। अगर तुम एनसीईआरटी से डायग्राम देखोगे तो यार ये रहा अपना डायग्राम, इसको इधर मैं प्लेस कर देती हूं। यस, सबसे बाहर तुमको क्या दिखाई दे रहा है? सबसे बाहर तुम बोलोगे सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस, नो आईसीएस, एक्सटेंशन आर कॉल्ड एज रूट हेयर, ठीक है जी, इसने इतना सा हिस्सा दिखाया। एपिडर्मिस के नीचे जाओगे तो आपको खुला खुला खुले खुले दिख रहे हैं, देखो आईसीएस बड़े क्लियरली है, कॉन्स्पिकुअस आईसीएस होते हैं, किसमें? कॉर्टेक्स के अंदर। किसमें बेटा? कॉर्टेक्स के अंदर। कॉर्टेक्स के अंदर जाओ, हाइपोडर्मिस रखनी है? नहीं रखनी, रूट में तो हाइपोडर्मिस नहीं होती है। क्या रखेंगे बेटा? ये जो पिंक कलर का तुमको दिखाई दे रहा है, क्या रखेंगे? एंडोडर्मिस रखेंगे। क्या रखेंगे बच्चों? एंडोडर्मिस रखेंगे। यही एंडोडर्मिस के सेल बैरल शेप्ड हैं, जिसके बाहर स्यूबेरेन है, क्या बना रहे हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप बना रहे हैं। देन इसके अंदर आ जाइए एंडोडर्मिस के अंदर, ये जो तुम्हें वायलेट कलर के सेल्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर पेरिसाइकल। अपनी अपनी एनसीईआरटी खोलो यार, अपनी अपनी एनसीईआरटी खोलिए। ये क्या दिख रहे हैं बेटा तुमको? पेरिसाइकल दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है? पेरिसाइकल। और पेरिसाइकल की खास बात क्या है? इसने कॉर्क कैम्बियम बनाना है, वैस्कुलर कैम्बियम बनाना है, लेटरल रूट्स यहां से निकलनी है, थिक वॉल्ड सेल्स हैं, मल्टीलेयर के हो सकते हैं, ये देख लो मल्टीलेयर। यस, आईसीएस भी दिख रहे हैं तुमको थोड़े थोड़े, ध्यान से देखो बेटा, ये जो एंडोडर्मिस है इसमें कोई आईसीएस नहीं दिख रहा, लेकिन इसके बीच में व्हाइट व्हाइट सी जगह दिख रही है, दैट मींस आईसीएस है, ठीक है। देन अंदर तुम्हें दिख रहा है रेडियली अरेंज्ड वास्कुलर बंडल। ये जो रेडियली अरेंज्ड वास्कुलर बंडल में तुम देखोगे तो यार तुमको क्या क्या दिखाई दे रहा है? प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दिख रहा है। प्रोटोजाइलम पहले बनेगा, प्रोटोजाइलम पहले बनेगा और मेटाजाइलम मोर डेवलप्ड बाद में बनने वाला है। देन सेंटर में तुमको किसके सेल्स दिखाई दे रहे हैं? पिथ। पिथ अपने आप में पूर्ली डेवलप्ड है, लेकिन इसके अंदर आईसीएस बहुत ही कॉन्स्पिकुअस है, ठीक है जी। देन ये आपके फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। तो ये हो गई आपकी डायकॉट रूट की एनाटॉमी, डायकॉट रूट की एनाटॉमी। ओके, अब यार
मोनोकॉट और डायकॉट की रूट बिल्कुल सेम है। डायकॉट रूट हो गया, मोनोकॉट और डायकॉट की रूट बिल्कुल सेम है, थोड़ी सी चीज डिफरेंट है। क्या चीज डिफरेंट है जरा मैं तुम्हें डिफरेंस बता देती हूं। हां जी, डिफरेंस कहां आता है? देखो तीन चार डिफरेंस है, लेट मी राइट डाउन द डिफरेंस। तो हमने डायकॉट रूट कर ली है, बस कुछ डिफरेंस है बेटा। अगर मैं बात करूं मोनोकॉट रूट की, तो यार यहां पर डिफरेंस क्या है? यहां पर जो वास्कुलर बंडल है ना, वो चार पैचेस में नहीं है, वो मेनी पैच बना रहा है, बहुत सारे पैच है। वहां तो टेट्रार्क था या पॉली आर्क है, पॉली आर्क है। तो ये एक डिफरेंस है, कहां गया? ये एक डिफरेंस है कि यार इसके अंदर जो जाइलम फ्लोएम है वो बहुत ज्यादा पैचेस में प्रेजेंट है। तुम यहां खुद ही देख लो, बहुत सारे पैचेस में प्रेजेंट है। नेक्स्ट चीज बेटा, मोनोकॉट रूट में क्या डिफरेंट है? इसका पिथ बड़े अच्छे से दिखाई देता है, पिथ इज कॉन्स्पिकुअस, इट इज नॉट पुअरली डेवलप्ड। वहां डायकॉट में पिथ वॉज पुअरली डेवलप्ड, आईसीएस उसके कॉन्स्पिकुअस थे, यहां पिथ पूरा कॉन्स्पिकुअस है, अच्छे से दिखाई दे रहा है। यहां पर बेटा कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, ये तो अपन को पता ही है, ठीक है। अगर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करनी है तो केम्बियम क्यों बनाए? ना वास्कुलर केम्बियम बनाएंगे, ना कॉक केम्बियम बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। तो यहां पर जो कंजक्टिव टिश्यू है, क्या वो दो तिहाई हिस्सा वास्कुलर केम्बियम का बनाएगा? तुम बोलोगे नहीं, यहां पर कोई वास्कुलर केम्बियम नहीं बनता, क्योंकि भैया मोनोकॉट है ना, मोनोकॉट में तो सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है। तो यहां का जो पेरिसाइकल है क्या वो कोई भी केम्बियम बनाएगा? ना तो यार वो वास्कुलर केम्बियम बनाएगा, ना ही वो कॉर्क केम्बियम बनाएगा, है ना बच्चों? ना ही वो कॉर्क केम्बियम बनाएगा, है ना? जरूरत ही नहीं है ना अपने को, जरूरत ही नहीं है। तो यार बेसिकली मोनोकॉट डायकॉट रूट में अंतर क्या है? अंतर है कि इसमें जाइलम फ्लोएम के पैच ज्यादा है और पिथ डेवलप्ड है, पिथ बहुत क्लियरली डेवलप्ड है, पुअरली डेवलप्ड नहीं है, बस यही अंतर है। बाकी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, तो ना पेरिसाइकल आपका सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कॉक केम्बियम और वास्कुलर केम्बियम बनाएगा, और ना ही आपका कंजक्टिव टिश्यू बनाएगा। ओके, बस बाकी सब सेम है। तो फटाफट से यहां देख लेते हैं हम डायकॉट रूट में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि यार आउटर मोस्ट लेयर का नाम है एपिब्लेमा, एपिब्लेमा से निकलेंगे रूट हेयर, रूट हेयर के अंदर कॉर्टेक्स, सेवरल लेयर्ड। देखो एक एक चीज पे फोकस करो, मल्टी लेयर्ड है, पतले पतले सेल्स हैं, पतले मोटे का भी ध्यान रखना है। कॉर्टेक्स के पतले पतले सेल्स हैं जिनमें आईसीएस है और हमें दिखाई भी दे रहा है। देन बेटा इसमें कोई हाइपोडर्मिस नहीं है, कॉर्टेक्स की ही सबसे अंदर वाली लेयर क्या है? एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस एबसेंट होती है। देन बेटा सिंगल लेयर्ड है, बैरल शेप सेल है, क्या प्रेजेंट होगा? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होंगी इस पे, ठीक है। देन ये देखिए कैस्पेरियन स्ट्रिप की भी बात हो गई है। अंदर आइए बेटा, क्या है आपकी पेरिसाइकल? पेरिसाइकल से ही क्या निकलेंगी? लेटरल रूट्स निकलेंगी, और बेटा ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए वास्कुलर केम्बियम भी बनाता है और कॉक केम्बियम भी बनाता है, ठीक है। देन द पेरेन्काइमेटस टिश्यू विच लाई बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ये एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है। नेम द पेरेन्काइमेटस टिश्यू जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में, तुम बोलोगे कंजक्टिव टिश्यू। क्या बोलोगे? कंजक्टिव टिश्यू। काम क्या है इसका? ये पेरिसाइकल के साथ मिलकर वास्कुलर केम्बियम बनाएगा, ठीक है। यस, चलो, ऑल द टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस जिसमें पेरिसाइकल बंडल और पिथ आ जाता है, इसको बोलते हैं स्टील। ये क्वेश्चन आ चुका है, दिस वॉज क्वेश्चन आई गेस इन 2016 और 17, स्टील किसको बोलते हैं? तो स्टील आपको पता होना चाहिए, एंडोडर्मिस के नीचे जो भी है, पेरिसाइकल है, वास्कुलर बंडल है, पिथ है सेंटर में, वो सब क्या है? स्टील है। ओके, तो मोनोकॉट रूट भी अपने ने कर ली, बिल्कुल सेम है ये, बिल्कुल सेम है, इसके पास भी यही सब मामला प्रेजेंट है। बस इसके पास क्या है, वो जो जाइलम बंडल है वो ज्यादा है, 6 से ज्यादा है, यानी कि पॉली आर्क है, वो टेट्रार्क था, ठीक है। एंड पिथ इसकी कॉन्स्पिकुअस है, और ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करती है, तो ना वास्कुलर केम्बियम होगा, ना कॉर्क केम्बियम होगा। सो विद दिस वी आर डन विद डायकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट। हमने पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर एनाटॉमी कर लिया है। हां जी बेटा, बेटा आप भी ब्लॉक कर सकते हैं, किसको ब्लॉक करना है बताओ? मैंने तो खुद ये चैट बॉक्स देखनी छोड़ दिए, एक मिनट रुको। ओके ओके ओके, पता नहीं कौन है यार, भाग गया वो बच्चा। हां जी बेटा,
क्लियर हो गया। देखो अगर तुमने एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ ली ना, एक एक लाइन पढ़ ली, तुम्हारा ये पोर्शन बहुत अच्छे से डन हो जाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आना है, कुछ भी नहीं आना है। एक एक डायग्राम देखो, एक एक लाइन को समझो, बारी बारी अपने माइंड को रिपीट करो। ये जो चैप्टर है ये भूलने वाला हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको बारी बारी देखेंगे और ये ब्यूटीफुल नोट से रिवाइज करेंगे तो यार आपका एक भी पोर्शन मिस नहीं होगा, कुछ भी मिस नहीं होगा। ओके राइट, तो ये बात होगी बेटा अपने आज के सेशन की। आज हमने सारे टिश्यू सिस्टम किए, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, टिश्यू भी कंप्लीट किया फ्लोएम को करके, एंड हमने एनाटॉमी करनी शुरू कर दिया। और पत्ती, स्टेम और रूट में से रूट तो हो गया, अब स्टेम और लीफ बचा, स्टेम और लीफ बचा, ठीक है, जो हम करेंगे कल की क्लास में। आज शाम को बेटा आपकी मॉर्फोलॉजी का पीवाईक्यू डिस्कशन है, तो आ जाना इस क्लास में, कोई भी मिस नहीं करेगा। एंड शाम को बेटा मेरी पहली क्लास है 79 रुपीज वाले क्रैश कोर्स में। अब ये क्रैश कोर्स बेटा आपको मिल रहा है 99 पर भी 20% ऑफ टिल टुमारो, कल तक ही है बेटा, अभी लेना है तो ले लो। शाम को 6:30 बजे मेरी पहली क्लास है, सो डेफिनेटली कम यार, पूरा सिलेबस होने वाला है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सारी पीडीएफ्स, बहुत सारे टेस्ट आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो कोड क्या लगाना है, सी प्लाइव लगाना है और आ जाना है इस क्रैश कोर्स में मेरी मेंटोरशिप के अंदर, गाइडेंस के अंदर, ठीक है जी। आपको पता है यार इस क्रैश कोर्स में मेरे साथ साथ तुम्हें बहुत सारे टीचर्स मिलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बेस्ट टीम मिलती है, जिसने इतने सारे रैंकर्स निकाले थे पिछले साल। पिछले साल बेटा 10,600 से ज्यादा सिलेक्शंस अन अकेडमी के थे, जिसमें से टॉप 2 सिलेक्शन तो यार तुम जानते हो हमारे टॉप 50 में थे, 100 भी नहीं मैं बोलूंगा, 50। ऑल इंडिया रैंक 44-45 वॉज अ क्लासरूम स्टूडेंट ऑफ अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, राइट। तो यार इस बारी जो बारी है वो इस बात से है तुम्हारी, ठीक है। तो फास्टली कम ज्वाइन दिस बैच, लिंक मैंने आपको टेलीग्राम पे दिया था और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगी। कल बेटा इस चैप्टर को निपटाते हैं, स्टेम रूट करके, स्टेम और लीफ करके खत्म करते हैं। आज का जरूर रिवाइज करिएगा, आई मेक श्योर कि यार आप एनसीईआरटी पे पूरा फोकस करें, और आज एक सरप्राइज भी आने वाला है टेलीग्राम पे। ओके, तो सेशन अच्छा लगा तो यार लाइक कर दो फटाफट से, एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज इसी चैनल पर आप बहुत सारे नए कोर्सेज, नई चीजें देखने वाले हैं, ठीक है। चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।